यार यारों लाइव है अपन हाँ हाँ लाइव है एक सेकंड बस 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 ये पैंट ऊपर कर लूँ मैं बस चेन बंद कर लेना <laughs> भाई बस हाँ येलो डॉलर आएगा बस येलो डॉलर की शुरुआत हो चुकी है मार दो और क्या तुमको क्या पता है कैसे पैसे देता है वो अबे शु, शुरू में मत करो यार शु, शुरू में मत करो यार शुरू में मत करो यार YouTube पेंट ऊपर झुका मैं नहीं भाई रुक अच्छा बारह बजे के बाद गाइस बारह बजे के बाद मेरी ऑडियो बनती लेकिन तुमने पीजे की तो आवाज़ सुनी होगी ठीक है और अब पीजे तुम बाद में मैसेज मत कर रहा ठीक है कल सुबह कि भाई उड़ा दे वो स्टार्टिंग का नहीं तो फिर बाद में मैं ही कर लूँगा ना हाँ ठीक है रात को तीन बजे पीछे कोई टो ओ नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था अरे मैं आई रुको मैं आता हूँ ये भी गड़बड़ गड़ गड़ हो गया।, गया रुको <laughs> सबसे पहले आगे बैठा हूँ मैं सबसे क्या कैमरे के लेंस पे कुछ गिर गया क्या पीछे जो चालू नहीं हो रहा है अरे अबे ओ पता नहीं नेगेटिव हो गया यार चलो ठीक है भाई अभी मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अपने हिसाब से देख लेना ठीक है ऐसा पीजे ने क्या किया होगा जो उसका कैमरा चालू नहीं हो रहा है लाख का अब... कैमरा चालू नहीं हो रहा है ओके इसका एक ही जवाब है मेरे पास चारों सब लोग वही लिख रहे हैं समझ लेना भाइयों रिज फिर भेंचो तो ये नेगेटिव हो गया ये क्या है? भाई भाई ये 12 बजे के बाद लेट्स नॉट गिव इट इन द स्टार्टिंग डू इट आफ्टर 12 ठीक है आ, आ गए पीछे काफी गुलाबी गुलाबी हो रखा है और माहौल पीछे बाल-बाल ठीक कर लो पीछे ओके <laughs> पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा पसीना पसीना अरे लाइट नहीं थी यार लाइट नहीं। अच्छा बिस्तर भी दिख रहा है चादर ठीक कर लो पीछेस

अब ये लोग लाइव स्ट्रीम में प्रैंक कर रहे हैं भाई मेरे ऊपर बोला ड्रावर खोल मैं ड्रावर खोला अबे ये देखो भाई मैंने रिएक्शन कर दिया बादल ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं डरता है भाई बादल लास्टे में खाता है भाई ये सब <laughs> सब जापान की तैयारी चल रही है <laughs> जापान की बातें अभी नहीं पीजिए ठीक है धीरे धीरे माहौल बनेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वही पीछे को जब मैंने बताया ऑनसेन क्या हो छोड़ो रहने दो वो बाद में बाद में ठीक है ना ठीक <laughs> है <laughs> अभी अभी मेन मुद्दे की बात कर ले भाई क्या क्या काम धंधा करने आए अबे इंट्रो देने दो यार पहले इंट्रो कौन होस्ट कौन कर रहा है कौन कर रहा है चलो बैक कर लेता हूं यस सर तो भाइयों बहनों लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ मैन ऑफ कल्चर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आज आ चुके हैं लाइव एकदम बढ़िया बढ़िया से से माहौल बनाएंगे बातचीत करेंगे पहले आपको इसका पूरा फॉर्मूला समझाते थे एज यूजल हम लोग जो लाइव स्ट्रीम करते हैं महीने में एक या दो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं इसमें फॉर्मूला सिंपल है पहले हम लोग अपने टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद जो जनरल पॉडकास्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी सारी सुपर चैट्स पढ़ी जाएंगी तो हम लोग वैसे जनरली क्या होता है बारह बजे के बाद करते हैं सुपर चार्ट लेकिन क्या होता है कि फिर बहुत लंबी खींच जाती है तो इसलिए हमने सोचा है कि इस बार ग्यारह बजे से सुपर yes. चार्ट पढ़नी शुरू कर जाएंगे तो yes. इसीलिए टॉपिक्स फटाफट कवर करने शुरू किए जाए भाइयों ज्यादा है भी नहीं 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 बहुत है सबसे पहले अपने विन भैया के की बात करनी शुरू करते हैं डीजल यस, तो यस। गाड़ियों में डीजल भरवाया नहीं तुम लोगों ने अपने देखा, अपने तुमने देख ही लिया गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है तो क्या होता है फिर जॉन सीना की मौत मौतर वही टाइटल भी वैसे ही लिखा है हमने कि वी आर इन डेंजर पिक्चर देखने के बाद अच्छा शुरुआत करते हैं ठीक है मैंने एक चीज नोटिस करी थी वो शॉट जब ट्रेलर में दिखाया था ना तो जाके कंफर्म कर लेना पॉज करके जो पहले वाले ट्रेलर में था कि ऐसा उड़ती हुई प्लेन में से भाई साहब अपनी गाड़ी नीचे गिराते हैं ठीक है और वो गिरती है दो गाड़ियों के ऊपर तो ट्रेलर के अंदर वो स्पेसिफिकली शॉर्ट है जिसमें उनकी गाड़ी खुद ऐसी होती है ना ऐसी हो जाती है समझ रहे हो तो ऐसा लगता है कि टूट गई है वो लेकिन पिक्चर के अंदर ऐसा दिखाया नहीं पिक्चर के अंदर उसको ठीक कर दिया मतलब

हां हो हां वही है वही तो थी शायद आई थिंक वही थी क्या ओ वाह ये कहां से ना... मतलब ये पिक्चर बेंचो यार वो कहां से कहां पे अभी बर्लिन लंदन धाबी ब्राजील अबे <laughs> <laughs> आ, शुरू किए थे वो तो ठीक है शुरू किए थे एलसीडी चाइनीज एलसीडी टीवी चोरी करने से स्पेस <laughs> में पहुंच गए सैटेलाइट उड़ा के ठीक है <laughs> <laughs> और अभी

बात पूरी कर लो ठीक है यहाँ पे वो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर अकेली लकड़ी रहेगी तो टूट जाएगी फैमिली हाँ. की पांचों लकड़ियां छो लकड़ियां साथ में होंगी तो नहीं टूटेंगी ये वो मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, तो, वो तो है तो है ही।, ही मतलब बच्चों को काफी अभी क्या है कि कि अभी क्या कि बताओ नेक्स्ट पार्ट में देखो सीधी सी बात है एंड गेम नेक्स्ट पार्ट में नहीं हो रहा है सेकेंड पार्ट में थर्ड में ही होगा तो नेक्स्ट में करेंगे क्या सुनो माइक फिक्स कर रहा हूँ एंड गेम के पहले पंद्रह मिनट में कुछ होता है पीजे वो उसपे अच्छा मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर निकालेंगे अच्छा नहीं क्योंकि बताया हॉब्स एंड शॉट टू कंफर्म्ड है, है। वो आ रही है जेसन स्टैटम और रॉकी तो मुझको जहां तक लग रहा है अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्रेडिट वो पहले दांते को बनाएंगे हॉब्स एंड शॉट टू का विलन ठीक है लग रहा है क्योंकि हेलो हेलो ओके okay, हाँ 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 तो फिर वहां से

ओ भाई। यार, <laughs> तुम कहा ओ भाई। फिर तब तक दे आर होपिंग दे आर होपिंग कि विंड डीजल और रॉक बैठ जाएंगे एक दिन थोड़े से दो दो पैग लगा लेंगे वो, वो फिर

मतलब कैंडी एसेस बोला था कैंडी हाँ। एसेस बोला था अब नाम नहीं लिया कैंडी एस मीठी गांड का होगा अब कैंडी कैर में डेथ नहीं जा रहा चाहता नहीं है चैट में बताओ कैंडी एस का मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ भाई मैं देखिए बिगाड़ो मत अभी तुम ठीक है अह अरे थोड़ा चैट भी चलने दे यार साथ आप आप रहने दीजिए ठीक तो है आप दूर रहिए हमारे लड़के से अरे फिर बाद में देखे यार जिज़ेल अरे वो मैंने देखा बोला अरे भाई अरे क्या मयाक चल गया है भाई वो तो भूल गया था और भाई एक तो वेंचु जिज़ेल छोड़ो सब मरीन काजू वापस आई भाई उसको उड़ा दिया तो रे वो मैं वही तो बोल अभी हाँ। तुम देख अभी तुम देखना हाँ। अभी इसके क्या तीन पार्ट और अनाउंस कर दिया मतलब क्या बोला नहीं पहले उन्होंने क्या बोला कि ये ये फास्ट एक्स वन है हाँ। ये फिर फास्ट एक्स टू आके हम खत्म कर देंगे हाँ। अब ट्रिलॉजी भाई इस इस पहले ट्रिलॉजी जब फास्ट एंड फ्यूरियस आई थी ना तब तो बोला था कि टेन पे खत्म कर देंगे फिर आगे चल के बोला कि हम टेन को दो में स्प्लिट कर रहे हैं ठीक है और अब इसके रिलीज के एक हफ्ता पहले अपने डीजल भैया बोलते हैं कि स्टूडियो बोल रहा है एक और बना दो क्योंकि मटेरियल इतना ज्यादा है अपने पास घंटे का मटेरियल है जैसन तो, ना तुम्हारा मैं तो भाई एक तो ये अंटार्कटिका में निकले मैं हाँ। उनके पास कोई गाड़ी वाड़ी बंदा है नहीं मतलब हाँ। पैदल कहाँ तक चला हाँ। फिर एक तो जिजेल फिर सबमरीन कहती इसी के लफड़े में ना झगड़ा हुआ था पूरा पूरी पिक्चर निकाली थी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल के आई कहा से फिर

गलत बात मत करो ठीक है ये ना इज्जत रख लो ठीक है एक ये तो ये गलत बात नहीं होगी पे ये कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे ठीक है इंडियन सिनेमा का ये ऐसी गलत बातें नहीं की जाएंगी इधर तो जो मिशेल रोड्रीगस के साथ हुआ था फास्ट एंड द फोर में फिर से? कि वो गोली तो, लगी थी दिमाग में उसके इसलिए यादाश हाँ, भूल जाती है तो याददाश्त जैसे भूल गई थी तो जिजेल भी गिरी थी गाड़ी से गिरने के बाद दिमाग पे चोट आई एंड देन शी फॉरगॉट नहीं तो वो हो भी सकता है दोनों पे अच्छा <laughs> <जा, laughs> अबे वो रनवे पे गिरती है भाई, भाई है ठीक तुम सोचो भाई प्लेन उड़ रहा है ठीक है और तुम रनवे पे गिर चुकी हो और पिक्चर का क्लाइमेक्स वहां पे खत्म हुआ है तो वो लोग तुमको देखने भी नहीं आए कि भाई तू जिंदा है या मर गई या क्या है और वो तू पड़ी ही पड़ी रहेगी वहीं पे

वो हान नहीं नहीं समझेगा मेरे, मेरे, मेरे वो तो हान ये समझेगा कि भाई मेरे में कुछ कमी थी इसलिए लड़की ने मरने का नाटक कर लिया भाई ब्रेकअप <laughs> वो कब छोड़ो मैं मर ही जाती हूँ भाई, <laughs> उले, भाई। उले उले शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी नहीं हान बेचारा करेगा भी क्या वुमन को क्या ही बोलेगा हो वो वो जाएगा विंड डीजल के पास टिप्स लेने कि भाई जब वो वापस आई थी लौट के तेरे को पता लगा होगा कि जिंदा बच गई है तेरी वाली मैं बता रहा हूं विंड डीजल को सब पता होगा <laughs> <laughs> विंड डीजल बोलेगा देख लौटे आई एम ग्रूट पता तो मेरे को सब कुछ था ही आई न्यू एवरीथिंग बिफोर आई वो बस I... क्या गया जिजेल थक गई थी भाई लेकिन उसको जब मैंने देखा ना स्क्रीन पे पहला थॉट ऐसे माइंड में आया मेरे कि साले अब पिक्चर वालों को भी पता है कि हम लोग सारे मरे हुए खत्म हाँ। तो करेंगे करेंगे, हाँ। करने से पहले लेकिन वो जो ट्रिलॉजी का जो थर्ड पार्ट है हाँ। उसमें जॉन सीना भी वापस आएगा आएगा हंड्रेड परसेंट बता रहा हूँ पता नहीं कौन सा वो दिखाएंगे कि वो जब गाड़ी उसकी पलटी उसके नीचे गड्ढा था जमीन में घुस गया जमीन में वो ऐसे गड्ढा था जिसके अंदर से उसको खींच लिया वंडर वुमेन ने जॉन सीना को पीस मेकर है ना वो अबे क्या बेंच बना दे उसको टर्मिनेटर आधा इंसान आधा वो भाई यार टेक्नोलॉजी में तो गांड फाड़ी दी थी है ठीक है अरे भाई बन गया वो टर्मिनेटर बन जाएगा नहीं वो हॉब्सन शो वाला हाँ ब्लैक सुपरमैन ब्लैक हाँ आ, हा, आ. जाएगा वो भी बनके कि <laughs> मैं मैं तेरा भाई कौन है भाई लेकिन मूवी के अंदर अच्छी बातें करनी हो सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है ठीक है तुमसे भी तुम दोनों से भी और चैट में भी सबसे मैं खुद सोच रहा था इस बारे में कि मूवी अपने आप को मार्केट इस तरीके से कर रही है कि भाई तुम आओगे तुमको कैसे एक्शन सिक्वेंसेज देखने मिलने वाले जिसमें लॉजिक नहीं होगा लोगों को भी पता है कि पिक्चर में वही सब होने वाला और जब पिक्चर ने अपने भी. को वही दिखाया तो फिर कंप्लेन कर सकते हैं हम लोग मैं तो मैं, नहीं कर रहा भाई। मैं मैं तो नहीं कर कर रहा मैं कर हाँ। मैं रहा रहा तो भाई। कंप्लेन क्योंकि जब फास्ट एंड फ्यूरियस देख बड़ी सी गन लेकर आता उड़ाने वाली भाई वो बड़ा चार्मिंग था ठीक है जब वो सीढ़ियों पे से चढ़ भी रहे होते हैं बहुत चार्मिंग लगता है ऑफजेंट शोजेंट शो भी बहुत उसका शुरू का पांच मिनट का सीक्वेंस ही वो स्टाइल और भावकाली वो हॉलीवुड मिस कर चुका था कब का hmm, hmm. एक लगता है हाँ भाई वो एक तरफ वो अपना वो ऑमलेट बना रहा है दूसरी तरफ रॉक वैडे खींचे जा रहा है <laughs> तो भाई यार वो वो चार्म नहीं था इस वाली पिक्चर में अच्छा हाँ मैं वो तो। मैं अगर कोई कंप्लेंट करूं hmm. hmm. तो मेरी कंप्लेन ये रहेगी कि इसमें उतनी भौकाली नहीं थी हाँ <laughs> <laughs>

चांद तो टच करना चाहिए मतलब अच्छा तुम ही तो भी बताओ अगर तुम पिक्चर लिख रहे हो और तुमने स्पेस तक में ऐसे कर दिया तो फिर आगे करोगे क्या चांद मार्स मैं चांद मत... तुमसे भी पूछना चाहता हूं तुम क्या करोगे कमेंट्स तो बताओ जुपिटर देखो मैं मैं भाई आई आई वुड सीरियसली थिंक अबाउट मल्टीवर्स ओ आई वुड थिंक अबाउट ओपनिंग मान लो मान लो कि वो ऑफ द ग्राउंड है ठीक है ऑफ द टेबल है ठीक है मतलब मल्टीवर्स नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते तो फिर अगर मतलब देखो फिर अगर बकचोदी बकचोदी साइड में कर दी जाए तो फिर मतलब फिर मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊंगा कि मतलब वो जो विलन है उसका बेस कैंप साला मून पे है हो 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 हाँ मतलब जो विलन है वो मतलब उसका ऑपरेशन ही मून से है अभी हाँ भाई ये ये बड़ा मस्त बैठेगा वो मतलब उठा के लिख रहा हूँ इलॉन मस्क को

एंड इस तरीके से क्रिमाडा भी वापस ले आते हो इसमें <laughs> भाई तो भाई, क्योंकि अ, मतलब जब मूवी स्टार्ट होती है ठीक है तो काफी ग्राउंडेड रखते हैं उसको एक्शन के हिसाब से अपन देखने जाए तो मैं क्या ये लोग वापस जा रहे हैं पीछे आ... फिर सेकंड हाफ में डीजल भैया गाड़ी निकालते हैं भाई ना वो अर... जो शुरू में खाने पीने वाला सीन है ना जो हर बार पिक्चर के आखिरी में होता है इन्होंने शुरू में ही डाल दिया

भाई यार तुम एक देखो एक बार तुम स्पेस में होके आ गए हो गाड़ी को लेकर के फिर तो कुछ भी कमजोर नहीं है भाई यार हाँ लॉजिक कर कर नहीं गाड़ियों पे मारता है हाँ। वो डालता है गियर लगाता है, कहता है टर्न और वो भाई स्टेरिंग घुमा के कंट्रोल कर रहा है दो हेलीकॉप्टर अबे गाड़ी पीछे से उठ चुकी है ठीक है बढ़ कैसे रही है वो आगे आगे से नहीं नहीं उसका एक्चुअली ना फकिंग क्वेश्चन इज दिस व्हाट यू फकिंग फक क्वेश्चन इज दिस वो वो मॉडल जो है ना उसका पावर आगे वाले पहियों पे पह, वो मॉडल नहीं भाई वो देखो फास्ट एंड फ्यूरियस में को, अगर वो मॉडल नहीं भी होता विंड डीजल भाई गाड़ी के दो पैदल से उतर <laughs> के, कौन के कौन दो अपने से? पैरों से ताकत लगा के उसको आगे बढ़ाई ये, कौ, ये कौन सी गाड़ी होती है जिसके, जिसके वो पावर आगे से आती हो नहीं नहीं बहुत सारी गाड़िया है बहुत सारी है। बहुत, बहुत सारी गाड़िया जो आगे वाले पहियो में वो पावर देती है ऐसा है मतलब रियालिटी में भी है फोर व्हील ड्राइव भी तो होती है तो उसमें तो ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मेन भाई तो हेलीकॉप्टर दो ठीक है तो अपनी गाड़ी से खींच रहे उनको नीचे और उन्होंने जो वो मारे हुए हुक वो गाड़ी के दरवाजों में मारे होते हैं ठीक है गाड़ी के दरवाजे क्यों नहीं टूट रहे है? हिंज किसका बना हुआ है बोला भाएटेनियो, ना, भाएटेनियो, बोला ना वो फैमिली के मेरे को ऐसा लगता है इनफैक्ट मतलब जो गाड़ियां होती है वो

वो जो आ, वो ड्रैग हाँ। रेस करते हैं मतलब मेरे को ना फास्ट एंड द फ्यूरियस का सबसे बेस्ट पार्ट वही लगता है पता है आप उसको कितना भी टॉप नॉच लेके चले जाओ लेकिन मेरे को वो जो

मूवी का और ए, एंड मूवी का एंड तो मतलब कुछ भी जे, भाई। वो भाई वो बंदा उधर से मिला हुआ निकल रहा है मैंने कहा ये कैसा ट्विस्ट भाई से भाई हाँ। मैंने ट्विस्ट देना कोई अच्छा ट्विस्ट दो ये कैसा ट्विस्ट दे रहा है और अब उन्होंने जहां पे खत्म किया है ठीक है अपने warning, लेकिन अपने डीजल चाचा बहुत बड़ा डैम है वो बहुत फेमस भी है

और क्या करेगा पता पता चला उसने में में भी लगा के मारे ऊपर वो वो भाई, तो से, से, वो, वो भाई जो मैं तेरे को गाड़ी सिखा रहा था ना वो कंप्लीट करने का टाइम है फील द कार ठीक है फील कार क्या फील कर रहा भाई? और वो कहता है और लड़के के पावन ही पहुंचते होंगे नीचे ठीक है और मैं मेरे क्या कि वो तो जब तुम इसको सिखा रहे थे तो वो गाड़ी चला रहा चलाना सिखा रहे थे अभी तो ये पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है <laughs> तो अभी क्या बैठना सिखा रहा है इसको तू कूदो वो भी कूद रहा पे <laughs> एक तो वो वो वाला देखे जब वो ब्रिल इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश एंग्री रेंटमैन वाई चैट में अरे यूज़लेस यूज़लेस मूवी क्या लिखा है उन्होंने <laughs> <ओ भाई। laughs> वेस्ट फिल्म दे शुड स्टॉप नहीं नहीं अब यहाँ पे अब यहाँ पे खुद को क्रेडिट देना हो जाएगा लेकिन अपन ने ये चीज डिस्कस करी हुई थी जब इसका ट्रेलर आया था कुछ महीनों पहले अपन ने पॉडकास्ट में बोला हुआ था कि अगली पिक्चर लेकिन वो लो लोग धीरे से सा एक और ऐड कर आ, <laughs> और वो लिटरली कर रहे हैं भाई ये देखो ये दो पिक्चर है ना तुम्हारे चार से छह साल जाएंगे आराम से जाएंगे फिर बीच में दो साल और जोड़ लीजिए आप ठीक है तुमको बता रहा हूँ इसके बाद भी ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली है इसके बाद भी ये दो मूवी और ऐड कर देंगे बन रही है ये उसके बाद विन, विन डीजल अपने ट्विटर पे धीरे से एक सरका देंगे कि फॉर तुम देखो ना इस मूवी में एक्चुअली वो जो छोटा बच्चा है उसने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि मतलब हमारी कहानी खत्म नहीं होती भले हमारी कहानी खत्म हो जाए पर मतलब फैमिली की कहानी आगे बढ़ती रही वो, वो विंडीजल जाने देगा अपने खुद दे के बेटे को हीरो नहीं बनने देगा वो क्या तुम लगे हो भाई इट विल नेवर स्टॉप भाई वो खुद प, काम करता रहेगा वो बेंचून का रेस कभी खत्म नहीं होगा द लास्ट रोड एंड्स रेस बेंच जो सब सब सारे वर्ड्स ऐड कर दो इसमें ठीक है <laughs> <वो भाई। laughs> पिक्चर भाई कितने लोगों ने देखी है चैट में ये पिक्चर लेकिन एक्चुअल में कमारी है भाई इंडिया में काफी जाएगी। काफी पहले दिन कुछ बारह करोड़ कमाई उसने या दस करोड़ का ओपनिंग लिया मोहित मोहित गया है, है, गया 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 लगता चैट में सब लोग गया कर दो गया कर मोहित गया मोहित गया इंस्टेड ऑफ दिस मूवी दे शुड ट्राई समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर सीरीज इन द सेम ये बताया बता, आप हमको समझा सकते हो विन डीजल को नहीं ठीक है विन डीजल बोले बचपन मतलब भाई भाई उसने हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से राड़ा ले लिया ठीक हाँ। है रॉक से ठीक है ना गन और ओपन कर रहे हैं <था। laughs> और बंदे को मजबूर करके बुला लिया अपने सीरीज में नाइन्थ वाली उतनी चली नहीं ना देखो भाई उसका जो मन करेगा वो करेगा अपनी सीरीज में ठीक है वो मुर्दे जिंदा कर रहा है अभी मोहित का कुछ मैसेज वगैरह आएगा पता नहीं देख लो नहीं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए और क्या था यार फास्ट एंड फ्यूरियस में याद नहीं आ रहा मेरे को आ, hmm. आ, वो मतलब उधर तो वो वो, वो ब्री लार्सन वाला हिसाब क्या लगा मतलब उसका रखने का क्या मतलब था उसको बत, <laughs> भाई वो जो पहला मैंने इंटरवल रिव्यू में स्पेसिफिकली उसको पॉइंट किया स्क्रीन देख लेना वो स्क्रीन देख लेना क्या स्क्रीन YouTube पे अच्छा वो हाँ हाँ case. हाँ हा। ओ, ओ, ओ ये क्या हो गया यार अरे दादा हाँ चलो ठीक तो है, हाँ। है, है वो भाई इतना ऐसे दिमाग में वो क्या चल रहा है तो ठीक है वो फास्ट एंड के ऐसे होते है वो चीजीनेस मुझको पसंद है लेकिन वो जो सेटअप उन्होंने चूज़ किया हुआ इसके अंदर एक आ, क्या है यार वो कोई एक हेड बताया गया है जैसे विंडीजल फैमिली पहले एसोसिएटेड थी गवर्नमेंट के लोग थे वो अब वो हेड बन चुका है तो अब वो खिलाफ हो चुका है ऐसा दिखाने और वो आ रहा है विंडीजल को पकड़ने के लिए लेकिन फिर पिक्चर के बीच में वो आ, और वो जब स्टार्टिंग में आता है तो बोलता भी है कि आज तक तो जितने भी पुलिस वाले गए हैं तुम्हारे पीछे सब तुम्हारे साथ मिल गए हॉब्स को ले लो वो जो ब्राजीलियन थी जो उसके बेटे की माँ बनती है वो और पॉल वॉकर का जो कैरेक्टर वो तो पहले का ही था <laughs> और ये जाके खुद भी मिल जाता है बाद में लाइट गई भाई उसका अलग ही खेल भाई वो जब बार में आती हुँ, हुँ. है पहले ही आके मार मारामारी चालू में बहन चुप क्यों ऐसे क्यों क्योंकि वो कर तो सकती है हाँ। क्योंकि वो कर सकती है पीजे मैं नहीं मुझको उन लोंडो से सवाल पूछना जो बाहर ने पहले हाँ। देखे क्या बहन चुप ब्रीलार्सन आई है पहले पहले, पहले। <laughs> 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 वो वो सीन लॉजिक समझ में नहीं आया मेरे को भाई उससे सोचा करा मैंने तुम्हारी कैप्टन मार्वल देखी है तो के भी पिला पता है उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने पहले कोई के देखे होंगे आ। आ। एस आ, आ। दो ड्रिंक देना छोकरे तीन ड्रिंक देना फिर यार नहीं हो रहा यार नहीं हो रहा एक काम कर तू मार होगा मैं अपने स्टंट खुद कर सकती हूँ मार के दिखाओ क्या हाँ। तो बोले मैं और मार के हाँ, और हो गया हाँ। भाई बोले चल डाल दे यार ये तो वैसे भी वो भूल गए होंगे बाद में पोस्ट में कि अरे कुछ लॉजिक देना था ना यहाँ पे भाई इसको देख के मैं बता रहा हूँ फराज सामजी बहुत ही गंदा इंस्पायर हूँ ठीक है बैठ गए होंगे फराज भाई वो फराज कोर्सी से सामजी सोच रहा होगा भाई

बजट काफी मूवीज का इन्फ्लेट हुआ हुआ है hmm. और पिक्चर के के अंदर भाई 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 एक्टर्स कितने वो भी सब चाहिए ब्रिल ब्रिल होगी होगी तो क्या जैसे एक, जैसे दो मिलियन, जैसे, जैसे, एक दो मिलियन में मान गई कुछ नहीं होगा आराम से से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तीन सौ चार बापरी फास्ट एंड फ्यूरियस 8 चैट 250 मिलियन की थी हाईएस्ट हाईएस्ट बजट था उसका 250 और इसको 340 लगाया और भाई वो तो, इतना पैसा लगा के चांद पे गए भी नहीं वो लोग वो डैम भी नहीं तोड़ते हुए दिखाए उन लोगों को वही तो एटलीस्ट इतना तो दिखाना चाहिए था हर और ये बता हर बार इनका पॉल वो क्या कहते हैं पॉल वॉकर का बहाना <laughs> वो मत बोलो यार ये <laughs> बात से लॉजिक मत करना भाई एक होता है बिलीवेबिलिटी ठीक है हाँ। अब तो बिलीव भी नहीं हो रहा भाई अरे हाँ सुनो तो सुनो मुझे एक, मुझे एक बात हाँ बोलो क्या बोल रहे थे उसकी बीवी पिछले तीन पिक्चरों से हाँ खुद कर रही है पिक्चर में पति नहीं आ रहा उसका ठीक है मैं बात समझ रहा हूँ लेकिन बहाना ढंका लॉजिक दो भाई ठीक है मैंने मैंने जो रिकैप देखा था

देखो मुझको क्या हो गया बिल्लेरी बन गई बिल्लेरी बिस्लेरी जी को कोई बात नहीं लॉट ऑफ केस पानी तो सब में ही है क्या हुआ आ, आगे 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 क्या हुआ इस सप्ताह अरे वो पटना और मिशन इंपॉसिबल का क्या बोल रहे हैं लोग मैं मेरे को पता अरे वो ट्रे, मैं ट्रेन मैं वाला सीन है ना मैं हां

ठीक है सुन ना सुन वो टाइटल वो टाइटल स्ट्रीम का मैंने इसलिए भी लिखा है वी आर इन डेंजर क्योंकि वी लिटरली आर इन डेंजर मैंने क्या किया एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन वाली भी नहीं चली <laughs> मुझको लगता है एक्सट्रैक्शन वा, वन वाली तब क्यों ही चली होगी क्योंकि भाई इंडिया वाला जो था ना हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक आइडेंटिटी वाला और वो मूवी वो मूवी का एंड भी बहुत क्वेश्चनएबल था हां हां बोलना तो थोड़ा सा इस वजह से वो चल गई और वो इंडिया के उसमें लोग थोड़े से बह गए जज्बात हाँ, वो जज्बात इधर बह अभी बहुत बह जाते हैं लोग जज्बात भाई हाँ कंटेंट भाई यार उत्तर ये तुमको क्या लगता है जो फॉरेन के जो ये फूड चैनल्स वाले हैं आज हम लोग इंडियन समोसा टेस्ट करेंगे ठीक है <laughs> <laughs> क्यों चलती है वीडियो भाई <laughs> भाई एक करोड़ की आबादी ऐसे ही नहीं है वैलिडेशन चाहिए लोगो को भाई

PJ, PJ, to get now. <laughs> अरे, यार, अरे देखो ये ना मेरा ना? क्या हुआ? हाँ। मेरा क्या हुआ था हाँ। कि मैं जान गया था आधे घंटे में वीडियो चलने वाली हाँ। मैंने बत, मैं बोला कि ईमानदारी से क्लिक बेट कर दो टाइटल थंबनेल में लिख दिया क्लिक बेट कर रहा हूँ बोला क्लिक बेट वीडियो ठीक है अब तुम मुझको गालिया बच देना लेकिन जो तुम कंपैरिजन की बात कर रहे हो ना ये वही लोग हैं जो कि ब्रह्मास्त्र के टाइम पे रेड और वोंडा कंपेयर कर रहे थे और एक्वामैन का और त्रिशूल कंपेयर कर रहे थे <laughs> ये वही लोग हैं और जैसे अगर आप जैसे मतलब मुझे इसके बारे में नहीं पता नहीं। पर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो जो एक बेसिक ट्रेन सीन्स होते हैं मूवी में तो आ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैंगो अनचेंड नहीं जैंगो अनचेंड नहीं आ, मूवी का नाम अभी याद नहीं तो अच्छा। अच्छा, आ रहा है उसका पूरा क्लाइमैक्स ट्रेन के ऊपर है उसमें भी ऐ, ऐसी कोई सीक्वेंस आई थिंक वो ब्रिज के ऊपर वाली आई गेस तो वो ये ये एक बहुत बेसिक ट्रोप होता है कि वो ब्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कांड करते हैं लोग जब भी ट्रेन चलती है तो वो ब्रिज के ऊपर लेके जाके और उसको गिराने की पूरी फील्डिंग जमाते हैं तो इट एक्चुअली हैपेंस तो ये इंस्पायर होने मैं कोई गलत नहीं समझ रहा समझता कि बस मजे तो दो तो अच्छा तो लगे देखने में हाँ। हाँ। तुमको क्यों लगता है अपन जॉन विक में वो डॉनी एन के कैरेक्टर को क्यों पसंद करते हो अभी लोग बोल अभी लोग बोलेंगे इं, इंडस्ट्री के ही लोग बोलेंगे कि भी बॉलीवुड करेगा तो लोग मजे लेंगे मैं बोलता हूँ गांड के दे? अंदर देख कितना कूल लग रहा है वो ठीक है रेड Red Dead Redemption टू खेला है अबे भाई कसम बहुत खेला उस, उसमें उसमें लगाते हैं है लगा लगा है <laughs> है लगा है, है तो वो वो ये, ये एक बेसिक ट्रोप होता है कि आप ब्रिज उड़ाते हो ट्रेन जा रही है तो ब्रिज उड़ाया जाता है ट्रेन फॉल्स एंड इट हैं भाई इसीलिए ना मैं समझ गया हूँ कि इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है इनका उठाओ फायदा ठीक <laughs> है और तो इसी में इसी में इसी में एग्जैक्टली exactly इसी के उसमें एक जैकी चैन एनिमेटेड सीरीज हाँ। थी उसकी भी एक क्लिप वायरल हो रही है हाँ, कि वो वहां से वैसे कॉपी वो भी पूरा का पूरा वही मैं तो मैं ये... तो बता रहा हूँ एक और कर दो ट्विटर पे पे ट्रेन ट्रेन अब्राहम लिंकन का क्लाइमेक्स भी वाले पे, भी वाले ठीक है वो अबे टूट के गिरने वाला सीक्वेंस हाँ। हाँ। उसमे think... उस नहीं था इसमें था ना उसके बाप की स्टोरी वगैरह बताते रहते तब शायद ऐसे कुछ तो है ना मेरे को याद नहीं है नहीं मतलब है भाई वो भाई ट्रेन कितनी कताई पिक्चर शूट हुई है भाई ट्रेन के ऊपर कुछ नहीं ये भी ये भी डाल बुलेट ट्रेन भी डाल देना ठीक है <laughs> अभी बुलेट ट्रेन से याद है बुलेट ट्रेन टू टू के ऊपर कास्टिंग क्या बात कर रहे हो हाँ, हाँ, और मूवी में जो उसकी बीवी बनी थी क्या नाम है उसका केट ब्लैक नहीं मूवी में उसकी बीवी एनी Uh, नहींक्र नहीं, नहीं, हाँ। की बात पिक्चर ठीक है चार विक शॉर्ट मी में भाई उसका <laughs> <थीके>? <laughs> आ, अब वो वाला सीन ले लो ना जिसमे वो बाहर होता है और भाग के जाके पूरा वो कांच तोड़ के अंदर घुस जाता है ठीक है ना वो तुम सोच नहीं जाओगे तो फिर कितने सारे लॉजिकल तुम क्वेश्चंस निकाल सकते हो उसके ऊपर लेकिन वो इतना इतना कूल था कि भाई उन उन चल ये चल रहा है ये तो है। ये ये डीजल को करना चाहिए था। चल रहा है मीम पे वो कितना ज्यादा हाँ फिर वो बता उनके में क्या हो जाएगा मैं ट्रेन के अंदर गाड़ी कैसे चलाऊ <laughs> गाड़ी तो चाहिए गाड़ी तो चाहिए भाई ए, ए बैट का क्रिप निकाल के अरे

तो तो वही उनका बता, वो ए आई वाला ही होने वाला है वो ही लग, लग रहा है। आ, और भाई ए आई वाला मैटर है तो पहले वो वही कंप्यूटर वाले, वाले लोग है और जो उसका साथी है वो उनके ऊपर डायरेक्ट खतरा जाएगा एक तो अपनी इथन हैंड भैया पच्चीस साल से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है प्यार से ज्यादा तो मूव ऑन लंबा चल रहा है इनका कह वैसे हम समझ पाते हैं आपकी बातें लेकिन आ, कहीं मैं ही तो इतना नंट नहीं हो हाँ तो हाँ तुम ही हो मिशन इम्पॉसिबल पे लगे हो तुम आ, लेकिन मैं तो वो देखना पीछे हाँ? चश्मा तुम्हारा फट फट ना जाए साइड में आराम से ओ भाई यार ओ, क्या वो क्या कहते जो क्लिफ वाला सीन आता है हुँ। भाई हुँ। हुँ। मेरा दिल रेस करने लगा था ठीक है क्योंकि भाई असली था ना असली था भाई यार मैं क्या यार उसका उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज किया नोटिस किया तुमने Like वो जो गाड़ी उड़ा रहा नहीं तो सीजी, सीजी तो किया हुआ ही था लेकिन पहले वो नॉर्मल पहाड़ जैसा था ठीक है जैसे गाड़ी जो उसकी चल रही है ना नीचे की जमीन नॉर्मल पहाड़ जैसी है और अब उसको ऐसा कर दिया है और वो ऐसा इधर से चला के भागा रहा है

क्या, क्या क्या मसला है उसका उसके साथ याद नहीं यार कौन कौन कैप्टन अंदर मै अरे एजेंट कार्टर <laughs> <मेरारू। laughs> जो एक्ट्रेस है अच्छा वो मतलब पूरे पिक्चर में बड़ा क्लोज थी उनके साथ वो गाड़ी उड़ी वाले सीन में भी पूरा एकदम अरे वो, वो ट्रेन लो... के अंदर वाले सीन में भी। सुनो ईथन के क्लोज कौन नहीं है

वो नहीं है 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 के पीछे मैं मैं तो बोल दूं कि मैं स्नाइपर मैं के यार मार दे मेरे को पे देगी वो वही से से बाहर पार निकाल देगी ऐसे नहीं करते प्यार से प्यार, वो, प्यार वो, वो, वो जो क्लिप है ना इसीलिए पीछे तुम्हारा यार इसीलिए तुम्हारे साथ गड़बड़ है मामला जब ऐसे कोई मारने के लिए स्नाइप करे ना तो उसको थोड़ा ऐसे कर उसको ऐसे करके बुलाया जाता है वरना वो वो वरना वो क्या कहते हैं शोले पिक्चर में जैसे बंदूक चला नहीं सीखा वो चला रही है पीछे से आके जो पहले की वही पे <laughs> जैसे पीछे से चला रही है तो उसको ऐसे नहीं जाने मन मैं बताता हूं धीरे <laughs> से ऐसे। वो फिर क्या करेगी मालूम है क्या करेगी मालूम है अभी किसी का भाई किसी की जान में ऐसा रूम में स्नाइपर शॉट मारता है मालूम है वही तो तुमको उधर मारेगी ओ भाई अरे लेकिन वो वो सीन है यार वो ये सब माइंड में ऐसा जो छप चुका है ना जिस तरीके से ड्रेस पहनी होती है और जो ऐसा ले बोल रहा हूँ पिछली मूवी में थी वो रियल लाइफ में शायद इसकी वाइफ है अपना जो फेंटा, मिस्टर फैंटास्टिक बना हुआ था हाँ उसकी रियल लाइफ में रियल लाइफ में वाइफ है तो एमिली ब्लंट भी है उसमें तो एमिली ब्लंट एमिली ब्लंट है उसकी वाइफ जो मिस्टर फैंटास्टिक बना तो था हां तो लास्ट पार्ट में थी ना वो नहीं एमिली ब्लंट नहीं ये कोई वेनेसा अवेनेसा भाई मैं कंफ्यूज नहीं गया यार, गया यार ये इसकी, इसकी शादी नहीं हुई वेनेसा है वेनेसा करबी है मैं कंफ्यूज कर गया उसको एमिली ब्लंट जी इसकी शादी नहीं हुई है इधर नहीं दिखी है हां हां वेनेसा करबी है वेनेसा करबी यार वही मैंने कहा ये ये लड़की हॉब्स एंड शो में थी ना हां उसकी बहन जेसन स्टार्टम की बहन

Hmm. तुमको क्या लगता है वो ट्वेंटी मिनट का शॉर्ट वाला कौन सा सीक्वेंस होगा ये पूरी ये जेल से लेकर ये।, ये ट्रेन पे भागेंगे पूरा अंदर घुसना जेल के अंदर फाइट ओ, करना अच्छा हाँ अब कनेक्ट हो रहा है वो जेल से वो जेल से, से... पूरा भागेंगे फिर hmm. गाड़ी में बैठेंगे hmm. और फिर गाड़ी में बैठ के ट्रेन से और पूरा होते हुए आई थिंक निकलेंगे वो और वो पूरा उसमें पता आई थिंक उससे पूरी रात से दिन हो जाएगा वो

और वो ना मतलब वो ना? वो बहुत क्लमजीली शूट किया हुआ था तो ऐसे में क्या होता है जब वो क्लमजीली शूट किया हो ना तो वो क्या है वो बहुत हो जाता है और वो ना मतलब वो मेरे को पर्सनली बहुत एंग्जाइटी दे देता है वो क्योंकि वो ना आपको समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पे कट मारा हुआ वहां पे कट मारा हुआ तो वो आपको फ्लॉज दिखने लगते हैं एंड वो वो मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगता नहीं है देखने में वो ना जो कोई नॉर्मल बात करने वाले भी सीन्स है ना तुमको लगता है कि अब अब मारोगी अब मारोगी अब मारोगी क्योंकि इतना रैपिड चल रहे होते दिख रहा था भाई। वो पचास लोगों से एक साथ लड़ रहा है तो वो मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले लोग जानबूझ के पीछे खड़े हुए चक्की ऐसा होंगे ताकि वो रुके हुए क्या बात कर रहे हो वो लिटरली पीछे ऐसे रुके हुए खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं शीश में। तो मैंने कहा यार अब, अब इसकी बात मतलब मतलब कर रहे थे अपन अप्रोच अप्रोच अच्छी थी चौबीस चौबीस हाँ। मिनट की बात कर हाँ। रहे थे अपन मतलब हाँ। कितनी सारी एक्शन मूवीज के अंदर टोटल मिला के चौबीस मिनट का एक्शन नहीं होता है ढंग का हाँ ठीक है ना ढंग का जो तुम अच्छा मानो ऐसे और ये चौबीस मिनट का एक साथ दिखाने वाले अपने को हाँ तो जैसे अगर मतलब एक्स्ट्रेक्शन वन में भी सीक्वेंस थी चौदह हाँ, मिनट की थी, थी, हाँ, की थी हाँ, तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो पूरी थी मैंने behind the scenes देखा था, हाँ, जो हाँ, से कूदने वाला वो हाँ, नहीं वो चौल में से और चल रही होती है एक्चुअली में क्या क्या जब वो छत पे से कूदते है ना तो वो लगता है वन शॉट है लेकिन बिहाइंड सीन्स में क्या पता चला जब कूदते है ना तो कैमरा जमीन पे अब दूसरे ही शॉट शॉट से जमीन से ज़मीन उठा और हाँ, के और और दोनों ऐसे हाँ, स्टिच कर दिया हाँ, वो वन है उसके हिसाब होंगे जहादोगे तुम सोचोगे ना कि अब ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पे कट डालेंगे नहीं वो पूरा कंटिन्यूस दिखेगा कट वहां लगेगी जब वहां किसी को पंच मार रहा होगा

कि अगर आदमी जाता है इस पे ठीक करने के लिए कितना टाइम लग जाता तब यार मतलब इसका मुझे बहुत ज्यादा आईडिया नहीं है ये सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होते हैं अच्छा हाँ डिजीज तो मतलब वो है जेनेटिक होती है किसका नेट जा रहा है शायद गया मोहित का हेलो मोहित मोहित भाई, भाई चलेंगे लगता है लाइट आ गई हो चैट में गये सब... गये चैट में सब हेलो मोहित कर दो हेलो मोहित कहाँ गए क्रिस बोल के रो क्यों रहे हैं ये अपना वो मिशन इम्पॉसिबल पे रह गया ना जैसे मैं बोल रहा था कि अब तक वो दुनिया को बचा रहा है ठीक है बॉम्ब वगैरह करके मिशन वगैरह करके इस बार वो भाई लग रहा है काफी पर्सनल जाएगा मतलब यार अब तो हो गया ना दुनिया को बचा लिया अपनों को बचा लिया शादी ब्याह करके शादी बिया करके ठीक जिससे करना था वो तो किसी और के साथ खुश है ये ये तकलीफ पिछली पिक्चर में वो वो होगी बिना बोले वो सुल ये भी हो गया कि हाँ भाई तू खुश रहे विदाई दे भी दी उसने मन में ये ये दुख तकलीफ पीड़ा भाई साहब वो तो है मैंने बताया ना कि पच्चीस साल से वो वो नहीं कर पा रहा है भाई <laughs> <laughs> मैं मैं बोला भगवान इतना टाइम नहीं ना लगता है <laughs> प्लीज बता देना <laughs> भगवान करे पीजे को कोई ऐसी मिले पच्चीस साल का जिंदगी भर मूव ऑन ना कर पाए वो 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 अली वो बने साहब जैसी ठीक है <laughs> <laughs> फिर बीवी भी ऐसा <laughs> वो मीम हो जाएगा ऐसा बीवी ऐसा पलट के बोल रही है कि ही प्रॉबली थिंकिंग अबाउट अदर वुमेन और पीछे ऐसा बोल रहा है अरे इतने साल हो गए मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं ओ <laughs> भाई वो बिहाइंड द सीन्स आया था ना वेनेसा का वो कुछ इसमें दे रही थी उसको क्या दे रही थी इन्फॉर्मेशन <laughs> <समझ नहीं। laughs> <laughs> वो, वो उसको वो देती है वो एक की चिट्ठी देने आती है अच्छा, ठीक ना? दे देती नहीं, है इम्पोसिबल के हर एक में होता है कि इधर मिलो ये पेड़ के नीचे ठीक है हाँ. तो वो जाती है तो पता नहीं वो, वो... जो लीकर हाँ, भी देती है और हाँ, किस भी देती है उसको हाँ, हाँ, झरना वो, वो कुछ तो होता है अरे नाला, नाला नहीं वो मतलब पानी नदी नहीं बोल सकता ना क्योंकि उतनी बड़ी नहीं होती है वो ऐसा छोटा मोटा होता है उसके बाजू में खड़े हो गए बोलती है ठीक है मैं ये ये लोग तुम तो लोग गालियां देते हो सरकारी नौकरी को बहन ये होती है सरकारी नौकरी ठीक है <laughs> क्या क्या होती है सरकारी नौकरी भाई इथन हंट की नौकरी सरकारी है ना हां हां बिल्कुल <laughs> <भाई> देख लो बिल्कुल <laughs> पर भाई इससे <laughs> खतरनाक सरकारी नौकरी भाई भाई <laughs> यार ओ पपिया झपिया मिल रही है लोगो से मस्त पर, पर भाई, वो लिटरली द गाय इज लिटरली हंटिंग एवरी हाँ। लिटरली ऐसे 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 मिशंस है भाई साहब मैं कहता हूं मैं भी अपनी जान जोखिम में डाल जाऊं अच्छा देश देश के लिए देश ओनली फॉर ओनली फॉर द कंट्री ओनली फॉर द कंट्री देश के लिए तो कैप्टन अमेरिका को भी मिली थी पीजे तो उस देश के लिए तो कैप्टन अमेरिका को मिली थी और <laughs> उसने ले भी ली ले भी ली <laughs> ले भी ली मल्टीपल <laughs> कौन थी यार वो वो एक्ट्रेस कौन थी वो हेली uh, एटवेल जो of... पहले वाली थी नहीं 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 अरे पहली कैप्टन अमेरिका में वो बोलती है ना कि तू सोल्जर है तो कंट्री की तरफ से मैं थैंक यू करना चाहती हूँ hmm. अच्छा फिर जो ईगो प्लेनेट के साथ सोती है वो अरे नहीं वो एक्ट्रेस वो अच्छा वो वो तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली एक्ट्रेस थी ना अच्छा हाँ जिसका अटोनमेंट होते हो तो रुक गया था वो वो वही एक्ट्रेस तो, तो पीजे जस्ट तो अपॉइंटमेंट्स तुम, तुम भी तुम भी भर्ती हो जाओ देश के लिए नेटली डॉर्मर लिख रहे हैं चैट में लोग नेटली डॉर्मर थी क्या जो मतलब मुझे इतना पता है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स में थी लोकी अपने एज गार्डियन ड्रेस में दोबारा दिखेगा ड्रेस में जो भी रहे यार मतलब थी ना हां महिलाएं जिंदाबाद ठीक है महिलाएं महिलाएं मर्दों के अंडरवेयर के एड्स में आ रही हैं और कितना तुम लोग बढ़ावा लोगे भाई कौन से एड के वो जैकलीन वाला हर <laughs> पिक्चर में चुचु देखने आता ऐसा पकड़ के भाई 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 वो लेके भाई पर वो एड बढ़िया है उसमें उसमें एक चीज रह गई बस अगर वो हो जाता मैं कसम से बता रहा हूँ कई लाखों चड्डिया ज्यादा बिक जाती मैं बता रहा हूँ इस चक्कर में वो कई लाखों चड्डी ज्यादा बिक जाती है सोच के कि क्या ये वही चड्डी है ओ भाई सोच रहे हो भाई ये ये मतलब महिलाओं को इक्वालिटी देने के चक्कर में ये इतना भूल गए कि मर्दों के अंडर है भाई साहब

फुल इक्वालिटी भाई साहब बहुत ज्यादा हो गई इक्वालिटी <laughs> <आ, laughs> कोई मुझसे पूछ रहा है मेन एंड वुमेन के तर्क के ऊपर बेंच ये एग्जांपल जाएगा मेरे मुंह से पहले ही ठीक है <laughs> <laughs> और कितना चाहिए क्वालिटी तुमको <laughs> तो पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब इतना सब कुछ कर लिया था न, तो फिर वो वो क्यों छोड़ दिया वही रह गया वो पता बस... है वो पता है डिलीटेड सीन में होगा <laughs> अरे उसके लिए भाई वो उसने मैं बता रहा हूं वो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए होंगे हम्म ओ बजट प्रमोशन डिजाइन हां आज वो आउट ऑफ बजट हो गया होगा हम्म mm. उन्होंने कहा होगा कि हम जब अगली बार <laughs> अगली बार शूट कराएंगे जब आप चड्डिया बिकवाइए उसके बाद फिर देखते हैं हम्म भाई भाई गजब और <laughs> और क्या आदि पुरुष का गाना आया नया हाँ। कैसा नया फुटेज अपने को थोड़े दिखे ना हल्के हाँ बहुत थोड़ी सी फुटेज है उसमें बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत थोड़ी सी पीछे ने तो वीडियो बना दिया भाई मैं, मैंने पूरा उस पर अध्ययन किया ठीक है हाँ। चाल चालीस यूनिक एंड एक्सटेंडेड शॉट्स मिला कर ठीक है और एक मिनट सोलह सेकंड के नए शॉर्ट्स हैं ढाई mm. मिनट की वीडियो में ओके okay. फिर मैं क्या अब भाई गाना तो अच्छा ही है एज ऑलवेज अपना हाँ. पिक्चर से अब बता क्या ही अब क्या ही बोल रहा देख ली दो दो तीन तीन बार देख ली अब यही है जो है अपने पास ठीक है हाँ. देखना आज हाँ वही गाना जब एड आया टीवी पे मेरे जैसे मेरे दादा गिर गए थे ठीक है ठीक है तो सब नीचे ही आ गए थे टीवी चल रहा था वो ज्यादा लगी तो नहीं ठीक है नहीं नहीं है अभी ठीक है ठीक है वो okay. ज्यादा लगी थी तो दादी उदी सब नीचे ही थे टीवी पे आ गया मैं जिम जाने का टाइम हो रहा था टीवी पे आ गया आदि पुरुष का जय श्री राम वाला गाना एड में हम्म hmm. और जो बोला है मेरी दादी ने देखने के बाद क्या मैं बता नहीं सकता मतलब अच्छा बोला है खराब बोला है अबे भाई साहब पूरी पूरी बैठ के बिचिंग हुई है भाई पूरी बड़ी कल्धी भी छि हुई है मैं बता रहा हूँ मैं कैंसिल हो जाऊ मैं इमेजिन मैं मैं, कर सकता हूँ वो पूर्वांचल के क्या बोली <laughs> बो, बोली रही होगी वो मैं बता रहा हूँ यार क्या और ऊपर प्लस मेरी दादी प्लस मम्मी ओ भाई ओ भाई भाई इस, इससे इससे बड़ा इस बड़ा एवेंजर्स का देखा नहीं मैंने आग। आग। ऐसा से लेता हूं वीडियो में काम आ जाए <laughs> अबे, मैं भाई मैं बोल नहीं सकता भाई मुझे लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ी मेरी कानू में गूंज रही है क्या करते बता ये लाइव एंड होने दो मैं बताता हूँ क्या वही मूवी रिव्यू तुम करते हो क्रिटिसिज्म असली वो दे रहे हो अरे भाई यार उनको फर्क नहीं, नहीं है उनका हो गया उनका टाइम हो गया उनको फर्क नहीं है टाइम कोई हो या या। उनका उनका मुंह पे कोई सेंसरशिप नहीं है भाई ठीक है हां उनके मुंह पे कोई सेंसरशिप नहीं <laughs> दादी ओपी कि... हो जाए चैट में दादी ओपी दादी ओपी ठीक है पीजे मैं बोलता हूं एक वीडियो बना लो उनसे दो पीजे पे डलवा देना

<laughs> चोड़ो चोड़ो आगे बाद में मम्मी को समझाना पड़ा मम्मी आपको जो बाहुबली पिक्चर पसंद है वो हीरो <laughs> <ओ। laughs> <जीए। laughs> क्या क्या बताता है ना वो वो क्या होते इंडिया में रेश लॉज है ना ठीक है सुन लिया हो तो जेल

नहीं नहीं गाने तो होंगे मेरे ख्याल से गाने होंगे टी सीरीज वालों की मूवी है यार हां हां हाँ, वो गाने तो होंगे गाने बिना गाने के वो पिक्चर ना साइन करे किसी से वही वही, वही। गाने होंगे तो तो बोलेंगे मैं। ये ये मेरी खलियर बीवी है भरोस को ठीक है <laughs> दो ट्रक में ठीक है ओ भाई भाई गाने गाने तो बहुत इंपॉर्टेंट है टी सीरीज का है तो फिर आर्ट टेक कम्स इन 4 जो वो पहले जो चीज थी uh, कि, uh, मतलब वो ऐसा सोच रहे थे ना कि मतलब ट्रेलर एक और आएगा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ट्रेलर आएगा वो गानों से ही फुटेज दिखाते हाँ, वो, अब ट्रेलर वो. नहीं आने वाला अब उनको वो ट्रेलर ही चला के लोगों को अंदर भर्ती करना है ठीक है जो निकाल तो दिया है ना जहाँ जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होगी कि एज मतलब वो गानों से ही जितना फुटेज होता जाएगा उतना गानों से ही रिलीज करते जाएंगे और जो रावण का लुक रिवील नहीं कर रहे हैं वो होगा भी नहीं मेरे ख्याल क्या तुमको लगता है कि एक गाना रावण से रिलेटेड भी हो सकता है अ टी सीरीज होना चाहिए बट वो जो सितार बजा रहा होता है ठीक है

हाँ वो जो मेन उसका पंचलाइन है जय श्री राम जय श्री राम वो तो चलेगा ही बहुत बार चलेगा बट देख लो तो... कि अभी तक वही ना किसी भी सीजी कैरेक्टर को अभी भी बोलते हुए नहीं दिखाया गया वो तो सीधे पिक्चर में होगा ब्रो पिच्चर। तो पिच्चर। और बहुत मतलब वही मैं मैं यही चीज सोच रहा था कि जैसे रावण का लुक नहीं रिवील हुआ है तो वो भी हो सकता है कि मूवी में ही सीधे करें बताएं मुझको लगता है ये आदि पुरुष के साथ ना वो ग्रीन लैंटन वाली प्रॉब्लम हो गई बताए कैसे कि ग्रीन लैंटन आई अवतार के बाद हम्म। तो एक अवतार की एक्सपेक्टेशन सेट थी लोगों से भाई रियलिज्म को लेकर हम्म हम्म। नहीं ग्रीन लैंटन के साथ बहुत कोर लेवल पे प्रॉब्लम्स थी हाँ नहीं तो एज मूवी तो प्रॉब्लम थी लेकिन उसका विजुअल तौर से भी आज भी मैं अरे तो, नहीं देखो ग्रीन लैंटन का सिर्फ अवतार नहीं आयन मैन थी भाई Hmm. मतलब तो काफी बेंचमार्क मूवीज हाँ, आ चुकी थी हाँ. फिर आप 300 मिलियन लगा के आप ये दे रहे हो। <laughs> दस पहले आती तो फिर लेट। वो ग्रीन लैंटन के साथ अगर तुम देखोगे ना मेरे को लगता है कि अगर वो और भी पहले आई होती ना तो भी बहुत बैशिंग मिलती उसको क्योंकि ग्रीन लैंटन के साथ जैसे तुम ग्रीन लैंटन का जो सूट देखोगे ना उसके भी क्रिएटिव विजन में प्रॉब्लम थी वो जो जो उसका मसल वाला सूट था ना, हाँ। वो बहुत मतलब बहुत मतलब ही उसका लुक भी तुम देखो कैसा मतलब बहुत वीर्ड था वो। और उसके अगले साली शायद हाँ। हाँ। हाँ शायद मैन ऑफ स्टील आई थी? नहीं? या दो साल का फर्क। हाँ, दो, दो मतलब साल नहीं का, हाँ। हाँ, दो, तीन साल का था हजार ग्यारह के पिक्चर है

नहीं अभी अभी कुछ नहीं करेंगे जो है उसको तो पॉलिटिक्स से निकालने दो वही 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 अभी तो कुछ भी और अनाउंस भी करने से पहले बहुत टाइम तक सोचेंगे वो <laughs> तुम सोचो ठीक है आदि पुरुष जब काम चल रहा होगा तो हाँ। टी सीरीज वालों ने सोचा होगा कि एक और इनसे करवा लेंगे अच्छा निकल हाँ। गया तो अब अगर ये पिक्चर नहीं चली हां ठीक है तुमको लगता है देंगे वो

<laughs> क्या क्या हुआ अपन इंतजार ही कर रहे हैं धमकी धमकी जो दे रहे हैं वो एक्चुअल ईमेल फिर रीइंफोर्समेंट फिर लीगल अच्छा वो उड़ाया नहीं तुमने तो अब तक वीडियो नहीं बस <laughs> <नहीं। laughs> अब भी देखते, देखते कर ले जो करना है नहीं ठीक है शुरू में देखो शुरू में डिसअपॉइंटमेंट थी फिर नाराजगी हुई अब क्या है कि अब वो थक चुका है इंसान भाई अभी क्या है अबे यार मेरे को एक, एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो स्ट्राइक वगैरह ना मारे क्योंकि मेरा व्लॉग वाला चैनल है वो तो थोड़ा सा एक लगता है बट मेरे को लगता है कि चलो ठीक है अगर एक ही स्ट्राइक आएगी अगर आती भी है तो देखेंगे फिर जैसा भी रहेगा क्या पता वो प्लिक्स वाले बैठ के आज के आज करते हैं इसका हिसाब किताब पूरा नहीं है, देखते हैं फिर जिंदगी भर कटर दुश्मनी में तीसरी से आईके चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स और भी अगर वो वो एका, एक ट्रेलर आया ना स्कॉर्सेसी भैया का किलर्स ऑफ द फ्लावर हां हम कैसा लगा मुझको अच्छा लगा भाई बड़ा बा, इंटेंस ट्रेलर भाई हम्म अच्छा ये पिक्चर 4 घंटे की होने वाली है हो उनकी अच्छा 4 बाप रे क्या, क्या मेरे को लगता, लगता है उसको इंटेंस बनाने में उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत हेल्प करता है अबे भाई बहुत मुझको वो थ्रिलर है मर्डर ऑर्डर वाला तो मैंने कहा था बहुत तो, तो मजे आ जाएंगे देख के भाई यार वो कल मर्डर हो गया अरे <laughs> लास, भाई लास्ट वाला क्या था <laughs> वो डायलॉग कि कैन यू आइडेंटिफाई वुल्फ वुल्फ इन दिस पिक्चर तो और 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 मुझको लगता है एक्चुअली मतलब एक कोई कोई गोरा ही होगा उसमें ठीक ठीक ना ना तो तो <laughs> तो भाई वो सारे <laughs> गो सारे गोरे 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 ही थे तो गो थे सब उसमें ठीक ना। उसमें लेकिन कुछ है पता नहीं अब मूवी कब रिलीज हो रही है अक्टूबर में थिएटर में पहले निकालेंगे फिर जाएगा एप्पल पे क्योंकि भाई उनको अवार्ड्स वाली क्राइटेरिया फिट करनी है ना तो अवार्ड का पता है कि अभी स्ट्रीमिंग ही उनको सौ मिलियन दे सकता है ऐसी पिक्चरों के लिए वरना आज तक स्ट्रीमिंग किसी को इतना पैसा नहीं देगा बोलेगा डायरेक्ट टीवी सीरीज बनाओ आठ एपिसोड की तीन चार सीजन ताकि लोग हमारा छोड़े न अक्टूबर तो में एक चीज और भी आ रही है क्या लोकी वही हो गया लोकी का आखिरी एपिसोड और दी दिमावल्स की रिलीज डेट क्रॉस कर रही है आ, uh, हाँ वो जनरली होता ही है ना इन लोग के साथ एक हफ्ते मतलब पहले शायद हो जाता है इस बार हाँ, वो अच्छा ये वेनेसडे को आएगा वो फ्राइडे को आएगा दो दिन हाँ, तो वो, हाँ, तो वो ऐसा रहता ही है अबे ये तो पर एक मून नाइट और डॉक्टर स्ट्रेंज का भी हुआ ही था ना भाई अपन अपन ने वीडियो बनाया फिर हाँ हाँ गए थे प्रीमियर पे भूल गए यार तो वो पर इस बार एक चीज हुई कि मतलब वो जनरली एक ट्रेलर के साथ रिलीज डेट देत हाँ, देते हैं हाँ, पर वो जोनाथन मेजर्स की हाँ, वजह से मतलब लोकी के भाई यार लोकी की हाइप उधर बनी रहेगी फिर दी मारवेल्स के साथ मुझे ये इसका मतलब क्या है मुझे बताओ जरा इसका मतलब क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं जस्ट रिलैक्स योर थ्रोट एंड मेक आई कांटेक्ट दो मारो उसके साथ बैक टू तो बोलने में बहुत बढ़िया हो तुम जैसे ही पता नहीं कितनों को डायलॉग दे चुके हो <laughs> मैं तुमको क्या लगता हूं मैंने नोट्स दिखाए थे ना मैं लिख के रखा रहता हूं भाई ठीक है रिलैक्स योर थ्रोट एंड मेक आई कांटेक्ट समझे कि <के laughs> नहीं बादल तुम नहीं क्या अबे यार यहां मैन ऑफ कल्चर बोलते हो बे अब जाओ यार चैट इसको समझाओ भाई यार क्या क्या बातें चल रही इधर रिलैक्स योर थ्रोट एंड मेक आई कांटेक्ट मैं मुझको जो पिक्चर में जो डायलॉग पसंद आता है वो चिप देता हूँ नोट्स में फिर बाद में घुटनों पे बैठो अच्छा तो पीजे ने बीजे वाली बात करी ऐसा खोलो रिलैक्स थ्रोट ओके जैसे पता नहीं जैसे कि, पता नहीं कितने ले चुके हैं ये, ये. भाई। आगे यार। आगे यार। इस तरफ नहीं जाते यार इसीलिए इसीलिए पढ़े लिखे लौंडो के साथ नहीं मस्ती करनी चाहिए ठीक है अच्छा अच्छा हूं वो मुझे बनने नहीं मुझे तुमको लगता है तो माय कांटेक्ट कर पाओगे कोशिश कर सकता हूँ ठीक बजे वाले 12 बजे के बाद वाली बातें अभी नहीं करते अभी अपने टॉपिक पे पड़े रहते हैं पागल एक उस पागल औरत को स्पाइडरमैन के डायलॉग बोलती हूं वो समझ जाता है ठीक है तो भाई साहब तो द पीजे कंट्रोल बात चल रही थी अब दी द मार्वल्स हम्म बात चल रही थी लोकी सीजन 2 पे तो छ अक्टूबर को आ रहा है मेरे ख्याल से छह एपिसोड रहेंगे और मैं तो भाई सिल्वी को तो देखने जा रहा हूँ देख तो तो अब जोनाथन मेजर्स का क्या करेंगे लेकिन अगर मान लो वो मतलब पीछे से कुछ चल रहा है उनका हिसाब ठीक है अगर मतलब मेरे ख्याल से जून में आ जाएगा डिसीजन कोई नहीं लोकी के प्रीमियर पे आएगा वो हथकड़ियां पहन के खत्म मेरे को लग रहा है वो अगर वही एम्बर वाली सिचुएशन हो गई तो तो मतलब पूरा कट 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 हाँ और फिर रिकास्ट कर देंगे हाँ है ना वही और लोकी रीकास्ट... के एंड में लोकी के एंड में ही दिखा देंगे भाई कि उसके साथ हाँ? कुछ हो गया फिर कोई और बन गया है वो नया हाँ उसके बचपन की टाइमलाइन बदल गई और उसका चेहरा बदल जाता है नया आ गया दिस इज द न्यू कैरेक्टर को ऐसा ही मिला हुआ है ना कि हाँ मतलब ये बहुत स्मार्ट होगा ना उनके लिए आ, बहुत आराम से कर सकते हैं चीज वो पिक्चर आज सही बनाए तो भाई मजा है बाकी अरे तो, है। तो वो अब वो भी बदल गया ना सुना कि नहीं तुमने तो, राइटर चेंज हो गया कैंग डायनेस्टी का जेफ लवनेस क्या लवनेस गया लव देते ही रह गए लोगों को भाई रिक एंड का राइटर था वो वो बताओ बीस मिनट तक के लिए अच्छा राइटर था पता चल रहा उससे भी तैतीस चौतीस बार रीराइट करवाई हो हाँ होगा ना भाई यार जब डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रीराइट करवा दिया तो भाई इसके लिए भी कराए होगा। तो चलो क्लाइमेक्स का आखिरी एपिलॉग एक महीने पहले शूट हुआ किसी का भी मूड खराब हो जाएगा भाई भाई वो उस, उसने भी वही किया होगा फिर ए बेड़िया बैट, बैट का बैट का ग्रिप नहीं वो बोलेगा कि हमारे पास दो अनमोल रतन थे लेकिन वो तो रुसो के साथ निकल गए पर यार मतलब राइटर तो और भी बहुत सारे होंगे यार बहुत दिन तो ये मेन देखो वही हो जाता है ना कि भैया स्टूडियो का भी एक विजन होना चाहिए तुम तो भी भाई इतनी बार बदलोगे तो फिर वही तो ना अभी जो क्रिस जो अभी जो क्रिस टेरियो है ठीक ना जिनको शायद जिन्होंने आर्गो और को लिखी है ठीक है हा, 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 हा। उनसे बोल दो तो तैतीस बार रीराइट करने को <laughs> वो बोल देगा मेरा लौड़ा करे तैतीस बार ठीक है वो भी ना कर पाए भाई वो भी कैसे कर लेगा किंगा वो भी वो तो और नहीं कर पाएगा वो तो भाई वो तो सैक्सनेटर वो साथ में मिलकर का काम कर रहे थे जस्टिस लीग पे हाँ। उस स्टूडियो ने बोला एक बार कि आप मूवी को थोड़ा सा लाइट करिए ठीक है, हाँ। है? कॉमेडी डालिए उसमें तो मतलब जितना हो सका उन्होंने किया एज हाँ। अ चैलेंज लेकर हाँ। एक दो बार ठीक है चल जाता तीन बार चल गया चार बार भी ठीक 33 बार 33 33 इज बहुत ज्यादा हो गया भाई बहुत तो ज्यादा हो गया तो तीस भी क्या कितना गिरोगे बीस बार भी बहुत ज्यादा है भाई पंद्रह बार भी बहुत ज्यादा है पिक्चर लिख रहा है आदमी वो सब तो भजिए थोड़ी तल रहा है वहां पे तो बस गरम गरम मारे रहे ठीक है नया बैच बनाया जा रहा है चटनी चटनी और चटनी के साथ मीठी चटनी अलग चाहिए

और चलो। और जैसे वो, वो आ गया, गया इको का वो लोग सब एक साथ डाल रहे हाँ, हैं अपन भाई, भाई इको नवंबर में आएगा उन्तीस नवम्बर को आ रहा है श... से कुछ सीखा शायद उन्होंने उनको नहीं, नहीं उनको पता था कि <laughs> क्या हाल है? उनको पता है उसके लिए ना उनको स्लॉट नहीं मिल रहा होगा उनको पता है वो मेरे को लग रहा है कि स्टार वॉर्स वगैरह के साथ क्लैश कर रहा होगा उनको लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा इसको डालेंगे पे कहा फंसेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको उठाओ एक साथ पूरा डाल दो तो मजा आएगी उसको देखने में अगर एक साथ आएगा तो। हाँ, मेरे को भी हाँ। लग रहा है सही है पता है पता और इनको ना भी ये फॉलो करना चाहिए कुछ कुछ शोज के साथ अपन ने बोला, तो बोला था वो शो है नहीं इंतजार करने हाँ तो भाई सही है वो पता है बहुत सही डिसीजन है कि मतलब इंतजार करें मजा आएगी ठीक है

हाँ कुछ कर रहे दस हो उसके गया, साथ। ऐसा कुछ हाँ। करते करते तो हफ्ते निकल करने दो। लेकिन दे, अभी बीच में इनका ये तो खत्म हो राइटर स्ट्राइक क्या क्या रुक गया डेटेबिल भी रुक गया डे डेबल भी रुक चुका है अभी पूरा तो सब कुछ ठप पड़ गया भाई पेंगुइन रुक गया डे डेबल रुक गया सब कुछ ही तो रुक गया बहुत बड़ा है भाई वो और मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब इस चीज में कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब सारे स्टूडियोस तैयार तो not... क्यों, क्यों, है पता नहीं यार तुम्ही तो नफे में चल रहे हो भाई ठीक है <laughs> तुम्हारी सबसे ज्यादा <laughs> तुम्हें तो पैसे हैं पता नहीं भाई यार उनको वो हो गया होगा ना कि क्लियोपेट्रा वाला हिसाब किताब कुछ <laughs> हाँ यार वो सीरीज का बहुत बड़ा गंदा रिसेप्शन भाई ऑडियंस ने एक परसेंट दिया और एक, दस एक परसेंट एक परसेंट दिया और बस भाई <laughs> सीरीज है थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप में उन्होंने बनाई हुई है छोड़ो रहने दो अगला अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक अपना है डॉन थ्री शाहरुख खान ने टाटा भाई भाई दिया रोल को यस वही मैं मतलब सोच रहा था कि वो कैसे करेंगे प्रियंका, चोपड़ा को वापस लाएंगे, क्या करेंगे? प्रियंका चोपड़ा महंगी अब तो वो मतलब अनाउंस ही कर दिया ना कि मेन एक्टर ही जब नहीं रहा तो रणवीर सिंह आ रहा है क्या हां सुनने में आया में आया था रणवीर सिंह फॉर डॉन

स्पाई क्लास क्लास है है यार मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब है ना बस वो एक कैश ग्रैब नहीं बनानी चाहिए जैसे डॉन हाँ। टू जो थी मेरे को लगता है कैश ग्रैब थी अच्छा। पूरी तरह से हाँ वो मतलब एक एक एरिया में पूरी शूट करके खत्म नहीं कर दी थी उन्होंने उतना याद नहीं मुझे मुझे डॉन टू मुझे उसका वो स्टार्ट याद है

हाँ थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए 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 वो वो फिर पता नहीं बता नहीं नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए कि भाई भाई पठान इस तरीके से 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 चली तो हमें कुछ एलिमेंट्स हाँ, हाँ. आपको अपनी स्टाइल स्टाइल बोलना चाहिए। भाई जो है। नहीं, के हिसाब मेरे ख्याल काम कर जाएगा नहीं

और उन्होंने अनाउंस की ना ये जवानी है दिवाली टू कर दी कर दी मैं बता तो रहा था ऑफिशियल तो नहीं है यार कौन बोल रहा था ऑफिशियल नहीं हुआ है कुछ अच्छा लीक्स नहीं मुझको तो काफी, काफी काफी सुनने में आ रहा था ये जवानी है दिवाली 2 आ रही है अच्छा okay. तो ये लीक्स ही हैं ये कंफर्म वगैरह कुछ नहीं हुआ है ओके बढ़िया है देखते हैं यार क्या दिक्कत है नाइस गया ना गया पीछे अंधेरे में गया फिर से पैंट खोल ली क्या भाई यार, यार ये हो गई। ये जवानी है दीवानी टू पे पैंट खोलने वाली कौन सी बात थी ये तो बताओ भाई यार। दीपिका या कलकी जो दिला दे भाई मेरे पास थोड़ी है भाई जो दिलाऊंगा मैं तो मैं भाई देखो सवाल ही पूछ रहा तो मैं क्या बताऊं तुमको भाई देखो सीधी सी बात है रिलैक्स योर थ्रोट मैं कहे कांटेक्ट एंड लुक इन द आईज देख भाई 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 दूर दूर डोंट यूज बाई स्पेल्स अकेस्ट मी मोहित ठीक है आगे क्या हुआ इस सप्ताह क्या हुआ

उतना ही समझ में आ रहा है अभी फिलहाल तो देखा जाए तो पर ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के उस, उन्होंने उसको ले लिया है सेथ रोलिंस को सुपरस्टार है अच्छा। तो हाँ मतलब अच्छा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मतलब बस काफी लोग आ रहे हैं भाई भाई तो जॉन सीना

ठीक है समझा भैया एक्टर मस्त वो अंदर कितने भी भी घर पे गाली खा के सामने ये करता था तो मस्त यार, मस्त है यार मतलब जैसे ये भी है ना कि वो देखो तुम रिंग में जाते हैं कोई कटवट नहीं मारते नहीं। नहीं। और बढ़िया प्रोमो कट करते हैं अच्छे अच्छे प्रोमो दे मतलब देते है और बंदे करना है इस कैमरे एंगल से दिखाओ श्वास दिखाओ भाई यार

आई तो थी मेरे मन में कुछ बोलने के लिए पर मैंने कहा गया ठीक है छोड़ डीमन स्लेयर देख रहे हो क्या डीमन स्लेयर देख रहे हो मैं तो बिंज करूंगा अच्छा अभी कोई नहीं अभी, अभी मैं फिर गया अटक गए मोहित फिर गॉन मैंने देखी कल रात को मेरे मूड बनाया क्या देखी हॉरर पिक्चर बाकी मैं क्या यार मैं 12 बजे चालू करूंगा अच्छा दिवेली कौन सी क्या वे ठीक है 2016 में अच्छा, अच्छा वो अच्छा, जो वो अ, कपड़े होती है तुमने डाला धोने अच्छा, मतलब है, है? वाला क्या सीन है भाई अभी उसका अच्छा, वो पति रहता है उसका ठीक है अच्छा जो जो धोरी होती है उसी का पति होता है हाँ पति हो रहा होता है तो सुबह सुबह उठा है बैठ के खा रहा है और उसकी बीवी धो रही है कपड़े हाँ, देखते हुए बिना आई कांटेक्ट नहीं छूट रहा है ठीक हाँ। है हाँ, उसके आगे में कुछ एक कार का सीन है अच्छा लेकिन बाद में कुछ समझ गया इशारों इशारों में क्या कि चाहिए इसको हाँ। <laughs> <laughs> लेकिन बहुत फनी था भाई ये भाई यार कपड़े धो रहे वो समझ गया, गया। तुम कब समझोगे बताओ भाई वो अच्छा मैं कब समझूंगा मैं बहुत चुतिया फिर फिर तुम मुझको उस दरिया में ढकेल रहे हो ठीक है तुझे बोलेगा ठीक है अरेंज मैरिज अगर हुई तो सबसे पहले पूछूंगा कपड़े धोना आता है ऐसे ऐसे मैं... कपड़े धो लेगी मैं मुझको नहीं पता था भाई कपड़े धोना इतना सेक्सी हो सकता भाई साहब मुझको लगा वो अचानक से हो गया उसमें हां गंजो वासीपुर में फ्लो फ्लो <laughs> रोमांटिक हो गया लेकिन यार एक्चुअली कपड़े धोना इज डैम सेक्सी भाई अच्छा कैसे अब आई 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 कांटेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए नहीं नहीं वो ऐसे 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 रगड़ रही है क्या रगड़ रही है अरे कपड़ा रगड़ रही है और क्या रगड़ रही है ठीक है और एक और एक हो जाता है अपने हलचल में ठीक है <laughs> अपने मुरारी चा, 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 चा। ठीक है अचानक से मुझे क्या <laughs> सारे दुनिया के आइकॉनिक शॉट्स hmm. कपड़े धोने पे hmm. अगर आप पिक्चर बना रहे हो hmm. और उसमें कपड़े धोने का कोई शॉट डाल दिया पिक्चर मास्टरपीस ऑलरेडी <laughs> घोषित ठीक है कुछ भी चाहे वो मुरारी कॉमेडी डाल दो या फिर अपना प्यार मोहब्बत ठीक है कपड़े धोने से मैं बता मैंने बोला ना मैं ड्राफ्ट लिख के रखा हूँ

अच्छा। आ, आ, भाई अपनी शक्तियों में गलत इस्तेमाल कर रही है आप लोग अच्छा। ठीक है मर्द धोएंगे कपड़े बस धो भाई धो मिसोजिनिस्ट यस सर मैं नहीं भाई मैं एक बोलता हूँ सारे कपड़े दे दो मर्दों को वही धोएंगे तुम कोई और नेम देखने वाला था क्या हुआ नहीं देखा मतलब मैं जान रहा हूँ ना अच्छी पिक्चर है ना थिएटर में कब लग रही है क्या कौन सा भाई उन्नीस तारीख को आ गई पिक्चर अब जहाँ लगी है वहां जाके देख लो ऐसा है मेरे यहाँ लगी नहीं है पीवीआर तो हमारे यहाँ ना हाँ है ना नहीं लगा है नहीं पीवीआर आइनॉक्स दोनों में से कहीं नहीं लगाया यार बहुत दुख हुआ मेरे पास आइनॉक्स भी है हाँ बहुत मतलब मेरे पास नहीं पास वाले शहर में एक घंटा ट्रैवल नहीं मेरा बोल यूट्यूब से हूँ ना तो क्या फर्क पड़ने वाला है भाई मोहित मोहित सर टाटा बाय बाय कर चुके हैं मैन ऑफ कल्चर को मोहित सर इज नॉट विद अस टाटा के चार्ट सब नहीं। मरा नहीं है 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 वो अभी आ रहा ठीक <laughs> गोरखपुर में भी नहीं लगाई यार क्या बात कर रहे हो थी? बहुत दुख हुआ यार बनारस तो लखनऊ में लगाई होगी उन्होंने अब मैं मैं एक टाइम के लिए ऐसा सोच रहा था ना कि यहाँ पे मेरे यहाँ स्क्रीन देते हैं वो लोग जिससे थिएटर तुम बुक कर सकते हो प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए मैं सोच रहा था करता हूं बुक Your name नहीं के, में फैंस के लिए, Your name जाके फैंस के लिए नहीं, मतलब अपने लिए ही वीडियो बन जाएगा भाई कि मैंने खुद बुक किया प्रीमियर ऐसा वो बोल रहा है साला कि कौन से स्ट्रीमिंग पे मैंने बोला इंडिया में तो लीगली देख नहीं सकते तो स्ट्रीमिंग पे बड़ी बड़ी वो बड़ी बोला बड़ी नहीं हो पाएगा तो फिर अब अटक गया एंडिंग ऐसी लगी हम लोग बात कर चुके हैं उसके ऊपर अच्छा वो बोला था कि स्ट्रीमिंग पे चला देंगे हाँ स्ट्रीमिंग पे कुछ रहा तो चल जाएगा लेकिन अपने हाँ पे जो स्ट्रीमिंग सर्विस है उस पर है ही नहीं और तो बोल दिए थोड़े से हाथ मिलाए होते कुछ बाहर रख के तो नहीं बोल दिया ठीक ठीक है नहीं नहीं बोले है है वो 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 बोलेगा अकेले ही देखो फिर बाद में है? वो भी सोच रहा रहा होगा ये ये एनीमे क्या बात कर देना बोल देगा तो भैया पेन ड्राइव दीजिए हम थोड़ा कॉपी कर ठीक ठीक है है वो देखे और वो देखेगा ना पिक्चर पहले पांच मिनट में वो बोलेगा क्या चल रहा है आ, भाई और क्या हुआ इस हफ्ते और क्या हुआ एनीमे में हुआ है बहुत कुछ लेकिन तुम तो बात करोगे नहीं तो सुपर चैट रीड करते हैं हाँ नहीं टाइम हो गया सुपर चैट मुझे घर जाना है यार मुझे घर जाना है इस हफ्ते एक और चीज हुई मुझे लग गई यहाँ पे क्या हुआ नहीं दिख रहा कैसे बैडमिंटन खेल रहे थे ठीक है चार लोग मतलब दो दो में और अपना था था मेरे साइड मेरी टीम में खेल रहा था वो नहीं, नहीं, नहीं। और ऐसा ऊपर से आया शटल कॉक और मैं बोल रहा हूँ छोड़ मैं मारूंगा वो सुना ही नहीं वो बैड घुमा दिया पार्ट टकर जो मेरा अंदर का ऐसा स्कल हिल रहा है पांच मिनट तक तो क्या हो रहा है एक सेकंड <laughs> हिल क्यों रहा है ये सब ओ भाई मोहित चैट्स पढ़ते हैं ठीक है मोहित सुनाई नहीं दे रहा उसको भाई मोहित उसको सुनाई नहीं दे रहा है मोहित मोहित लॉस्ट हिज हेयरिंग चैट में सब लोग आरआईपी कर दो आरआईपी भाई आरआईपी आरआईपी भाई यार विलन सागा भी छोड़ रखा है तुमने अरे देखूंगा ना भाई आ, यार एक बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ लेकिन देखता हूँ बीच बीच में ऐसी पता नहीं की याद आ रही थी रात में ये ना, ना, नहीं नहीं, नहीं बसर आ आ भाई उसकी क्यों याद आ रही है तुमको क्या वो भी रात में ये क्या हेल्स पैराडाइज क्या है ये एनीमे <laughs> देखो यार उसका फर्स्ट एपिसोड काफी सही है अमृत की तलाश में वो लोग एक ऐसे आइलैंड पे जाते हैं जहाँ इंसानों की तितलियाँ हैं या तितलियाँ इंसान है मतलब बहुत अजीब है भाई बहुत वियर्ड है उसको कैसे पता हूँ मैं और उसने तुम और उसने तुमको काट लिया तो तुम फूल बन जाओगे लाइक तुम्हारे आंखों में से फूल निकलने लगेगा और तुम लाइक इंसान दिखते हुए झाड़ बन जाओगे ऐसा है बस हाँ तो बस नहीं और भी मॉन्स्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे मिस्ट्री है पूरा कि क्या चल रहा है ये okay. ओके बहुत अजीब है यार बहुत अजीब है दिखने में वो अजीब है जो जो कहाँ तक देखा तुमने जो, जो जो जितना आया उतना देखा मैंने पूरा सब सब देख लिया हाँ मतलब स्टोरी एनिमेट उन्होंने पूरा नहीं किया है छः पार्ट हो गया एनिमेट अभी आठ खत्म हुए शायद टोटल आठ या एक बंदा बोल रहा है केविन हार्ट को <laughs> भाई गोदी तो में नहीं उठाना है उसको तो तो गुस्सा भी होगा तो कैसा लगेगा वो तो गलती से रॉक आ गए भैया उसको सच में गोदी उठा लेगा वो तो पीजे चैनल प्रेस्टोन या जेलेना जें क्या है ये पीजे कहाँ गया पहला सुपर चैट है आज का नाम है उनका जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ठीक है -E क्या पूछते हैं पीजे सी एच ए एन ई अच्छा चैनल प्रेस्टन और जेनेला जेंसन कौन है ये लोग जेनेला जेंसन नाम नहीं पता है तो चैनल प्रेस्टन अच्छा देखो जरा कौन <laughs> <laughs> देखो जरा कौन है पीजे बहुत आवाज आ रही मेरी अबे वो, वो 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 कौन स्टार्स के नाम ले रहा है पीजे तो देखो चैनल नाम बना दे हाँ हाँ चैनल पीजे वो लोग भी एक्टर्स होते हैं पता है ना तुमको अबे मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था जिस दिन मैंने जाना कि कॉर्न एक्टिंग होती है शाबाश और क्या अबे मैं, मैं सर पकड़ लिया वहन चुप के मैं उस नजर से फिर दोबारा देख नहीं पाया उन्हें अच्छा तो इतने सारे वीडियोस में तुमको कैमरा नोटिस नहीं होता था कि साला कैमरा मैन क्या कर रहा है वहां पे नहीं मुझको लगता था कि वो सच में रिसर्च करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा है वो ठीक है रिसर्च करने के लिए रिकॉर्ड कर ठीक है ठीक इनोसेंस वाज लॉस्ट दैट डे और क्या यार फिर और... बाद में फिर नोटिस करने लगा हुँ. मैं क्या आज तक नोटिस आग... कर रहा है कि जाने तो दे अंदर फिर ना चिल्ला तू ठीक है <laughs> <laughs> पहले ही भाई मेरा मूड खराब हो गया भाई तब अच्छा अच्छा तुम क्यों... बताओ वीडियो के फिर बीच में जब वो लोग कैमरे से आई कांटेक्ट बनाती थी तो तुमको लगता था तुमसे बना रही हैं नहीं मतलब सुन ना ना तो मेरा <laughs> छोटा सा फूल सा दिल था मैं अपनी झूठी दुनिया में खोया हुआ था उसके बाद से बैठे क्या ही बताऊं मैं तुम तुम सोचते थे कि रिलैक्स योर थ्रोट मजे तक भी है तुम सोचते थे कि भाई तेरे से ही तो मोहब्बत करती है पगले <laughs> <laughs> तो भाई कर किसी और के साथ रही है पर मोहब्बत तुझी से करती है hmm. चैट में स्वयं क्या बोलते हैं पीजे कि सिर्फ दिल ही छोटा नहीं था और मतलब छोड़ो भाई जब वो बोलेगी ना तो पता चलेगा तुमको बायल डोंट रेकमेंड एनीवे टू पिजर मोहित यस yes, यस yes, सर नहीं रेकमेंड करूंगा मैं ये अपन को कन्वर्ट कराक छोड़ेगा मैं बता रहा हूं भाई अरे तुम्हें नहीं क्यों क्यों व्हाई व्हाई डोंट रेकमेंड क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है दे डोंट टेक यू सीरियसली यस सर मैं बोलता हूँ देखने के लिए देखते नहीं ये लोग अच्छा तो, अच्छा मैंने नहीं देखी कभी तुम देख ले तो यार इसके तो अब मेरे को गिड़ गिड़ाना ही रह गया भाई पीछे देख ले यार देख ले यार तो कुछ और सप्लाई करते फिर मैं देखता हूँ ठीक है तुम वर्ल्ड्स एंड हैरम देखो मैं अबे तू चैट पर ले भाई तो यार हाँ थोड़ी ऐसे हेडफोन वाली आ रही है मतलब माइक के बदले यार

आ जाओ इसकी सेटिंग में जाके अगर मैं ट्राई करता हूँ बादल कितना नीचे जाना है पहले सुपर चैट को देखते हुए जस्ट गेटिंग स्टार्टेड का है फोर्टी फोर का ओ, ओ, अच्छा तो, है. Started, थीक 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 हाँ थंबनेल देख ही नहीं रहा हूँ मैं ठीक है जस्ट गेटिंग स्टार्टेड अभी ठीक है ना आवाज का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मिल गया मिल गया हाँ uh, रीड करो फटाफट फड़, चलो आ, uh, अच्छा तुम ही बोलो ना मैं भी देख रहा हूँ

यही तो, बोलना बाकी रह गया ना। तो सबसे बड़ा तो तुमने खुद ही दे दिया पीछे वही तो सुला कराते है अपने विन और, आ, बात कर दी तुमने रिलैक्स और थ्रोट वाली ना फिर से ही नहीं है लफड़ा हुआ है वहां पे ठीक है वहां बातें करते आगे सुपर चैट क्या है ठीक है आ, भा, भाई सिक्सटी पॉडकास्ट भूल गए क्या नहीं भूले नहीं है <laughs> नहीं भूले नहीं है यार तुम तो लोगों के लिए कुछ स्पेशल सा तैयार करते अच्छा ठीक है आ... अबे यार अब अपन लोग मिले ही नहीं है ना आ... तब से हाँ। लेकिन आप मिलेंगे तो अब मिलने का सीन भी नहीं हो रहा यार नहीं, मिलेंगे मिलेंगे अपन सीन क्यों अच्छा अच्छा मिलेंगे मिलेंगे ठीक भाई आप भाई आप में से क्या आगे इस आगे चैट देखिए भाई आप में से कोई भी मेरे साथ कोलैब करेगा क्या है ये जय देसाई पता नहीं पता नहीं किसी लड़की ने लड़के का बनाया होगा हाँ। आईडी अरे नाम जय जे ए वाई अच्छा ऐसे लड़के नहीं ने हाँ। लड़के का बनाया होगा <laughs> इतने डिजायरेबल हो तुम अपने आप को इतना डिजायरेबल समझना लड़की ने लड़के का बनाया होगा और ये फिर साथ बोल रहा है हां और मतलब लड़की लड़का बन के बोल रही है पीजे को भाई कोई मेरे साथ कोलैब करेगा हां वाह पीजे भाई यार क्या मतलब इतना जलवा देगा तुमने भाई का हैं और पैसा देगी पैसा देगी नहीं उस और तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम बंदे कॉन्फिडेंस देगा तुमने अबे किसी लड़की ने लड़के का बनाया होगा ऐसा तो होता रहता है भाई मेरे साथ असली हंट तो और पीछे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई जिंदगी में मेरे को रबे का भाई यार जस्ट रिलैक्स योर थ्रोट एंड लुक इनटू माय आईज पीजे की तरह तो दो उसकी बात नहीं करते फ्यूचर ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस हॉट व्हील्स बैटल फोर्स 5 क्या है ये अरे वो खेलता है ना हॉट व्हील्स वो उसका बच्चा खेल रहा होता है हॉट व्हील्स अच्छा, का ये वो किसी ने लिखा होगा ओ भाई मेरा एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड था, था? जिससे दूसरे बंदे ने कट्टी करवा दी अब कोई दोस्त नहीं है बात करने को क्या चल रहा है ये सो प्लीज गिव सम सजेशन टू कोप अप इन दिस हेल्प बीइंग अलोन अच्छा इनकी कट्टी कर... ओ सो यार अबे ये वो मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम वाली ऑडियंस सुपर चैट कर रही है ओ भाई ये मतलब इनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी फीमेल 12 बज गए क्या हाँ। बस सब आने लग गई है वो वाली नहीं। सुपर चैट है और दूसरे बंदे माहौल बनना शुरू हो गया भाई हाँ। माहौल बनना शुरू हो गया है। <laughs> सुन रहे हो तुम दूसरे बंदे ने इनकी दोस्ती तोड़वा दी नाम क्या है नाम क्या है अर्पण दत्ता अर्पण भाई तुम सबसे पहले तो अर्पण भाई तुम सब तुम इनके बेस्ट फ्रेंड ने कट्टी करा दी हाँ। नहीं, 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 नहीं ये ठीक है जिसने कट्टी करवाई उसको पटा लो लड़का वो है वो मेल टट्टी करा लिए अपनी लाइन बना लिए उधर <laughs> तो बोलो ना उससे कि जो मैं उसके साथ नहीं नहीं अब सुनो अब अर्पण को ये करना ही पड़ेगा पीजे ने जो सजेशन दिया ना अब तुम वो लड़के को पटाओ क्या <laughs> जो जो मेरे ख्वाब मैंने उसके साथ सजाए थे वो तुम पूरी करो ठीक है वो 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 पूरे कर रहा है उधर मत याद दिलाया तो अर्पन अर्पन सर फाइनल भाई अर्पन भाई तुम्हारा गेम हो गया तुमने कट्टी कर ली उधर उधर हो गई उधर उधर देख लो फिर बाद में कहा बट्टी हो रही है क्या यार, ये मतलब ये बेसिक बेसिक टेक्निक ही गलत है तुम्हारी कैसे बादल भाई कुछ ज्ञान दो क्या ज्ञान दे कोई नहीं लड़की के बाप को बता तो एक्सपीरियंस हो ब्रेकअप पैचअप वाले इंसान मैं बोल रहा हूँ लड़की के बाप को जाके बता दो अबे <laughs> वो भी अकेले फिर उसको पता चलेगा ना तुम क्या फील कर रहे थे अकेले होने का ऐसा तुम अब अब तुम्हारे पास एक एक ही रास्ता है हाँ। तुम अब उन दोनों की कट्टी कराओ कैसे भी करके पीजे 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 को लेके जाओ भाई पीजे करवाएगा तो मैं बहुत महंगा आदमी हो गया हूँ भाई क्या कितना रेट है आगे देख ले सुबह चालीस चालीस रुपए दे रहे हैं अपन को फाइनल एमबीबीएस पास हो गया वांटेड टू शेयर विद यू गाइस अरे सर शाइक बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो आप बधाई हो फाइनल ईयर एमबीबीएस पास कर लिया फाइनल एमबीबीएस पास हो गया बधाई हो दिस इज वेयर योर स्ट्रगल बिगिंस फ्रॉम नाउ भैया मेरे दोस्त को धोनी पसंद नहीं बहुत तो बाय द वे हाउ डू यू डिस्पोज अ बॉडी ब्रेकिंग बैड देखना पड़ेगा उसके लिए ऐसे ऐसा टब में टब में ऐसा एसिड भरो फिर उसमें लाश गिराओ और नीचे जाके कैच करने के लिए रेडी हो जाओ वो आज येलो डॉलर इस पे जरूर आएगा भाई इस पे किसी पे आए ना आए इसी इसीलिए इसी मैं जोक नहीं मार रहा था इसीलिए <laughs> मैं नहीं मार रहा था ठीक है धोनी पसंद नहीं

हंसे हो रोए हो एक्शन ब्लॉक ओके अच्छे पिक्चर भाई गार्जियन से भी ले अप्रिशिएट अरे मोहित भाई आ, वो अरे भाई क्या हो रहा है मेरे माउस को मोहित भाई आई लॉस्ट माय मदर लास्ट ईयर जनवरी आफ्टर हर डेथ मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गया और आज मैं पापा बन गया ओ पर वो नहीं है अरे ये सक्सेस देखने के लिए यार कोई बात नहीं ब्रो यार मोर पावर टू यू शी इज इन अ बेटर प्लेस नाउ

डार्क डायरीज वाला तो का वन ऑफ में जो काम कर रही है ना ऑबरी प्लाजा उसने वो डाला तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मतलब या तो अगाथा, को कर रहे हैं। या जो अगाथा है, उसका और का जो है एक फिनाले आएगा। वो मार्बल्स का स्पेशल होगा डार्कोल्ड डायरीज क्योंकि आयरन हार्ट वो में भी वो डिजनी प्लस स्पेशल जैसे ये था नाइप हाँ ओके okay. तो वो क्योंकि वो उसमें भी मेफिस्टो है ना है आर यू श्योर हाँ वो है ना अरे वो ही बन रहा है ना साशा बैरन अच्छा वो हाँ ठीक हाँ, है हाँ. तो यार देखते वो. हैं आन दो बाय रीडर एंड ड्रीमर देखिए मूवी सजेशन प्लीज भाई रीडर एंड क्या ड्रीमर बाय रीडर एंड ड्रीमर देखी, देखी. और मूवी सजेशन मांग रहे हैं अच्छा वैसी वाली जो देखे देखे क्या बताओ भाई ओ भाई अच्छा बारह बज गए क्या तो चलो ठीक है थोड़ा सा टूवर्ड्स दी एंड पहुंचेंगे तो फिर एक आध दे देंगे वैसा सजेशन क्या जाकिर खान की तथास्तु याद दिला, दिला, दिला देना मेरे को हाँ ये याद कर लो सब लोग जाने से पहले याद दिला देना है दिला मेरे दिमाग में एक पिक्चर जाकिर खान का तथास्तु देखा है किसी ने नहीं मैंने देखा 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 है तुमने क्या जाकिर खान फैन Uh, अच्छा है जाकिर कान के जो जो होते हैं मतलब जो रहते हैं हैं मतलब रहते रहते वो बहुत comedy -oriented रहते हैं। mm -hmm. तो जाकिर कान बेसिकली इंदौर से है, तो मतलब बड़ा हिट करता है वो mm -hmm. तो वो हमेशा इंदौरी टच जो आता है तो वो कॉमेडी बहुत रहते हैं लेकिन ये वाला जो है इमोशनल एंगल पे बेस्ड है तो okay. मजा आता है, सही है यार। जो बना रहे हैं। या। आह मोएन देख रहा था बॉस ने जॉब से जॉब से मोएन दिया। मोएन क्या है ये? मोएन लिखा है उन्होंने कैपिटल लेटर्स में। मोसी तो नहीं। क्या बताऊँ? आह ओके। बादल ब्रो, पीजे ब्रो, मोहित ब्रो। लव यू गाइस। लव यू बाय। लव यू बाय। लव यू ब्रो। #nohomo डीजल भाई, फैमिली फैमिली बोल के हैं? अबे वो लोग उनका हैं, में लेने के लिए अरे भाई यार कहा जा रहे हैं ठीक है अपने यार भाई? तो पीजे और मोहित दोनों मिलके कोई गेम स्ट्रीम करो एक दिन गेम? Mm.

और मैंने गाड़ी से तो गैलेक्सी स्ट्रीम किया हुआ है और मैंने लास्ट ऑफ अस वन टू गॉड ऑफ वॉर पूरा स्ट्रीम किया हुआ है ये पता नहीं सारे के स्ट्रीम किया हुए है कुछ बचा नहीं ये, है ये ये बंदा चार चार घंटे की पॉडकास्ट करता है और तुम तुमसे पूछ रहे हो कि उसमें बोलना बहुत पड़ता होगा ना नहीं, नहीं यार बता गोसो सुशी में मैंने खत्म किया पर मस्त अच्छा? क्या है अच्छा क्या लिया था मोहित के लिए स्पेयर आ किल किल

जैसे कई उसमें आपके पास दो पाथ है कि आप एक समुराय बन जाओ समुराय हो तो समुराय के पाथ पे ही रहो या फिर एक हाँ। आप निंजा बन जाओ तो वो तेरे मैंने उसी मैं के तो के उसी पुरा... के उसी के तो रेव में मैंने देखी सेवन समुराय भी देखगी साढ़े तीन मिनटर में इससे अच्छा टाइम इस अच्छा नहीं मिलेगा मैं पूरा हूँ समुराई के फेज में ठीक है चाली की मेरे को बड़ी अच्छी लगी सेवन देख ले बादल सेवन समुराई ठीक है अगला सुपर चैट है खास एक महान शख्सियत के लिए कब देख रहे हो डेवलपमेंट क्राई बेबी वॉन्ट ग्रुप टॉक देखता हूँ ना मैं यार कौन बचा है तुम ही बचे हो भाई अब प्रेशर आ रहा है मेरे मोहित ने भी देख लिया भाई मोहित ने रेकमेंड भी कर दिया है तुमको ठीक है ठीक है मैं देख के खत्म करता हूँ उसको ठीक है देख के खत्म एजरा मिलर कमिंग टू पीजे हाउस पीजे विथ शॉर्ट

ऐसा ना हो कि वो, वो अपने में लग जाए और वो इसके पीछे लग जाए जॉन विक और वंडर वुमन मैंने कहा ना अपना देख लेंगे वो जो एक आदमी आएगा ना हम्म <laughs> वो वो बता शॉटगन मारूंगा ना उसको गोलियां चार तरफ निकलती है ना वो सारे पकड़ लेगा नहीं पकड़ वो सारे नहीं पकड़ेगा वो पकड़ेगा तो दो ही <laughs> गोलियां तो वो दो ही पकड़ेगा <laughs> भाई उसको दो ही गोलियां पकड़नी है पीछे नेक्स्ट बचा है फास्ट एक्स फास्ट एक्स एक्स फास्ट एक्स 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 फास्ट ट्रिपल एक्स बोलिए उसे ठीक है देखो ट्रिपल एक्स तो विन विन भाई बना चुके हैं दो बना चुके ठीक है ठीक <laughs> है उस, वो फ्रेंचेस को भी फैमिली समझ के जोड़ देंगे इसके अंदर अबे भाई, भाई।, भाई। वो ट्रिपल एक्स अलग ही फैमिली है जेंडर केज मैंने बचपन में देखी थी ट्रिपल एक्स पहली बार ठीक है अच्छा जो पहली पहली, पहली पहली बार नाम डिस्कवर करते ना, आ, तो पूर, पूर, हो ना पहले कोई हाँ तो कोई पीछे सोच रहा होगा पीछे सोच रहा होगा पिक्चर का नाम है ट्रिपल एक्स मेन हीरो है टकला नहीं, नहीं भाई होता है आ... ना कोई पूछ वही मैं सोचू अगर पूछ दे के क्या क्या पिक्चर देख रहे हो वही वही ये एक्चुअली सबके साथ होती है प्रॉब्लम मतलब देख क्या रहे हो भाई और मतलब कुछ है नहीं आपके पास बोलने के लिए आई गॉट नथिंग वो तो तीसरे पार्ट में हुआ ना रिटर्न ऑफ द जेंडर केज वो है। वो फ्रेंचाइज का नाम भी कहीं कॉर्न देखने के बाद तो नहीं रखा होगा <laughs> तो वो एक्चुअली हां वो वो थे मार्केटिंग टूल ही था वो हां मार्केटिंग टूल था वो फर्स्ट पार्ट एक्चुअली अच्छा था यार नहीं अच्छा था अबे नो भाई विंडीजल एक्चुअली मैं एकदम जागड था असली वाला ठीक है

Oh, okay. डीजल तो भाई देखो मेरे को लगता है डीजल, अब, अब डीजल और जैसे बंदा आई थिंक उसको तुम लोगों ने वो देखा है शो देखा है क्या डीसी वो एक टाइटन शो है उसमें है वो बंदा हॉक हॉक बना है तो वो अच्छी बॉडी है उसकी काफी अच्छी बॉडी है तो उसके साथ में सीन था उसका इसमें फास्ट में जब वो उसको उठाता है और ट्रक में बिठाता है ना हम्म hmm. विंडीजल को वो अरेस्ट करता है hmm. तो उस वाले सीन में विंडीजल के एकदम पंपड है पल्ले सो विंडीजल ने बोला होगा देख भाई तू अपनी जगह है बॉडी बिल्डर ठीक है लेकिन मैं विंडीजल हूं मेरी है, हाँ। ना? है ना तो और ये मेरी पिक्चर में काम कर रहा है तू ठीक है तो पहली बात तो इसको फुल शर्ट पहनाओ वो सुबह सेट, पे आया होगा। सेट पे पे आया आया होगा 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 ऐसा इसके डोली मैं वही तभी मैंने नोटिस किया मैं कि मैं। हाँ, तो और दूसरी चीज मेरे को दो डंबल है ना इधर को दो हाफ जैकेट हाफ जैकेट इधर पंप करने तो थोड़ी और इसको बैठाओ पीछे मेरे से ठीक है मैं बैठ कैमरे के पास थोड़ी दिखनी चाहिए वाई। वाई। वाई वाई। भाई सूपर भाई भाई सुपर सुपर का साथ दिल्ली में कांड हो, कांड का क्या क्या कांड का वो सोचा गया तो कुछ, कांड हुआ है नहीं नहीं अच्छा कैन कॉन्स्टेंटिन डिफीट लुसिफर मॉर्निंग स्टार क्या बोला हाँ नहीं डिफीट लुसिफर को तो कॉन्स्टेंटिन ने डिफीट ही किया ना अच्छा। इन पिक्चर में हेलो एवरीवन मैं आसाम से हूँ आप लोग बहुत ऑसम awesome हो एक रिक्वेस्ट टू बादल पीजे को फुल ओटाकू बना दो अबे छोड़ो आई विल कन्वर्ट बादल him, तो है ही आई विल कन्वर्ट हिम सुनर और लेटर फिर मेरे ऊपर पिक्चर आएगी ठीक है पीजे स्टोरी <laughs> मैं बोलने नहीं वाला था बादल देख लो वाले बादल बादल ने पन मारा ठीक है <laughs> लव यू गाइस पीजे भाई मार्गो रोबी भाभी को आजमगढ़ कब ला रहे हो यार जिस दिन जिस, जिस पीजे भैया और मार्गो रोबी भाभी आ गई पीजे के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा रिलैक्स योर थ्रोट मेक <laughs> <वे> आई <खाये> कांटेक्ट <laughs> फिर पीजे वो बोल रहा था ना मोहल्ले में कि छत पे से कपड़े सुखा रही थी खींच के लेके गया पीजे बोले तू छत पे जा मोहल्ला देखना चाहिए मैं आऊंगा फिर पीछे से पीजे कहेगा उसको कभी छत देखी है जिंदगी में <laughs> ओ भाई आज दिखाता हूँ चलो अच्छा तुम ने जरा पहले बोला कि कपड़े धो बैठ के इधर हाँ बोल मोहित नहीं था फिर ठीक है <laughs> एक एक बार बड़ी पुरानी कहावत है टक काफी काफी इज्जतदार कहावत है कि भोजन हुँ। भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी ठीक है वो तो भोजन भी एकांत में भजन भी एकांत में खजाना भी एकांत में और यारी भी अच्छा वो यारी तो, <laughs> यारी ठीक है ओ, सब एकांत ठीक तो ऐसे डब्लू रेज ओके सब मेरी मूवी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इतनी अच्छी तो बनाई है अच्छा विन डीजल ने सुपर चैट दिया एक सौ दस का विन डीजल ही आ गए क्या <laughs> सर सर भाई, भाई का सर

गाड़ी वाड़ी लेके बर्नआउट वर्नआउट मार रहे पता हो पता चला इसी फ्रेम में घुस गए अभी गाड़ी लेके वो पता नहीं यार मुझको दूर से कई सारी नियोन लाइट्स नजर आ रही हैं मर गई तुम्हारी कांट ठीक है मैं आज आज आजमगढ़ आज में चक्का जाम होगा आज ठीक भाई क्या भी पता नहीं कुछ देर बाद गैसोलीना भी बजे तो फिर गैसोलीना का तो पता नहीं ली जरूर जा सकती है <laughs> ओ भाई मिलते भी, भी डीजल भाई जैसे yes. <coughs> आपके हिसाब से मार्वल का एंड आ गया है नहीं यार अभी चलेगा भाई बेचेंगे चपके तो लोगों का दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है हाँ। उनको फिगर आउट करने दो फिर अपन करते हैं तीनों चश्मा निकाल के शाउट आउट दो क्या नाम है ओमकार ओमकार सुपर सुपर चैट चैट कितने रुको पहले <laughs> रुपए रुपए के यार। है है। चश्मा निकाल निकाल शाउट भाई यार और निकाल बेजो यार यार अपन रात भर इधर ही बैठ जाएंगे अभी तो बहुत बादल जल्दी जल्दी कर बहुत बाकी है भाई तो तुम जल्दी करो ना एज पर लीग मॉडल में लैंडर और पीसमेकर सकते हैं वॉट मॉडल कॉम्पैक्ट में वन में हाँ ट्रेलर देखा था मुझको अच्छा लगा होमलैंडर वो पीस मेकर उनका चलता रहता यार है यार ऐसे ही आ, अच्छा हाँ, लड़वाना ही है ना दो अच्छा मतलब तो आईपी क्या पता विन डीजल भी ठेल दे उसी में ठीक है ग्रूट हम्म अगले अगले मॉर्टल कॉम्बैट में विन डीजल भी आएगा गाड़ी लेके <laughs> वो जो फैटालिटी होती है ना उसमें रूम रूम करके बोनट बिठा के लेके जाएगा और क्या नॉस मारेगा बोनट बिठा लेके जाएगा वो आगे क्या बोला लव लव यू यू मैन ऑफ कल्चर टू पीजे भाई ओपन आईमर देखने आइएगा बिल्कुल बिल्कुल आएंगे मैं मैं दिन निकाल के जा रहा हूँ उसको देखने के लिए बिग फैन ऑफ मैन ऑफ कल्चर प्रेम से बोलो राधे 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 लव यू गाइज बोलते मैन ऑफ कल्चर लव यू बाई लव यू लव यू बाई मैन ऑफ कल्चर लव यू टू भाई समीक्षा ने पीजे की वजह से हमको सबको रिजेक्ट कर दिया इस समीक्षा की कहानी चल रही है भाई आ, दो तीन वो इंतजार में बैठी हुई है ना पीजे के पीजे का प्रपोज करेगा अबे यार समीक्षा <laughs> अब लेस्बियन निकली तो मैं क्या ठीक है कहानी में ट्विस्ट बाद में पता चला ना अपने को व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर वो वो रिचार्ज के लिए बस थी वो पीजे सुनो अगर किसी एक्चुअल चीज का रिचार्ज हो रहा है इधर अगर किसी एक्चुअल समीक्षा ने केस कर दिया ना पीजे

उसमें भी जेम्स गन की बीवी को देखकर <laughs> पीस वाले गन चला रहे फिर ये रोज दुनिया भाई। में भाई भाई देखो शादी से तो औरतों से फ्लर्ट किया जाता है बस क्या की क्वेश्चन जैसे वो तो बैठी ही हुई है कब पीछे आएगा और कब फ्लर्ट करेगा मेरे साथ अबे नहीं जब तुम्हारा इंटेंट नहीं होता बड़ी अच्छी बातें होती हैं भाई पीछे नहीं यार क्या यार पीजे तुम पीजे के मोहल्ले हम वर्जिन हो ना तुम वर्जिन ही हो ना क्या हुआ ओ भाई मोहल्ले में काफी सेटिंग लगाई हुई है पीजे ने भाई ये, ये 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 आदमी ये आदमी पिक्चरें देख के ज्ञान पेल रहा है इतना ओ <laughs> oh भाई ओए oh यार पीजे I'm disappointed मतलब on myself. मैं...

प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र क्या इंडी प्रोजेक्ट ठीक है ओके कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया okay. उसके बाप को पता चला तो उसने शहर बदल दिया हो भाई यार मैं बारह बजे की सुपर उस, उसके, उसके I आगे love. उसके तो बाद भी तो पढ़ क्या लिखा हाँ, उसने उसके एक साल बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई लोग कोसते हैं मैं खुद प्यार में कि किस बात के लिए लोग कोस रहे हैं तुम्हें मैं ये, मैं 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 ये सुपर इस इस चार्ट को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ हाँ, मतलब उस, उसको ये खुशी वाली सुपर चैट है या दुखी <laughs> दुखी तो है दुखी है ठीक है कहाँ से दुखी लेकिन भाई? फिर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई सरकारी नौकरी लग गई है लोग लेकिन लोग कोसते क्यों है फिर तुम्हें कि हो नहीं रहा है

अरे भाई समझ में कहा आया खत्म लोग भाई यही फंस गया मामला लोग कोसते हैं मैं खुद प्यार में लकी हूं। ओ, प्यार में लकी हो मिल जाएगा भाई मिल जाए तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारा आधा काम खत्म हो गया है आधा नहीं तुम्हारी जिंदगी का एट्टी परसेंट काम खत्म हो चुका है देखो देखो भाई मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे सकता मैं मैं बिल्कुल इसके लिए तो क्या दे सकते मैं बहुत इन एलिजिबल बंदा हूँ तुम्हें दिलासा देने के लिए ठीक है मोहित दे सकता है अभी भाई ये दस मिनट पहले बोल रहा था अभी इसके टिप सुनी थी तुमने <laughs> रिलैक्स योर थ्रोट ओ <laughs> भाई अब रिलैक्स योर थ्रोट से तो शुरू हुआ था ये आदमी अभी दस मिनट पहले इसने कहा था कि फ्लर्ट करने में मजा आता है टाइप वाली टिप थी इसकी ओ <laughs> भाई अभी कह रहा है कि मैं कुछ बोल दी वो सकता वो भी शादीशुदा औरतों से बात कर रहा है हां दस मिनट पहले ये प्रो टिप दे रहे थे भाई साहब और अब कह रहा मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ भाई यार पीजे भाई पानी पीना पड़ेगा मेरे को एक मिनट भैया प्रफुल भैया हम माफी मांगते हैं पीजे की तरफ से, से. से माफी माफी प्रफुल भाई ये प्रफुल वही नहीं ना एमबीए चाय वाला <laughs> वेसे 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 भाई यार तुम एक, एक सुनो भाई ये ना अभी अपने ये ये चैनल बंद करवाना ही है या तुमको <laughs> नहीं, नहीं। अच्छा उसकी तो शादी हो गई है ओ भाई साहब आ, भाई पीछे क्या क्या, क्या एलिगेशन लगा रहा है तू तो उसके ऊपर नहीं मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ आगे पादल यार अगली पढ़ ले यार <laughs> मोहित भाई नीट क्लियर हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ए एफ एम मिल जाएगा ओ रहे हो आप जिंदगी आपके भी मजे शुरू हो चुके हैं <laughs> किताबों से दोस्ती कर लीजिए uh, चार सीवी चार सीवी ज्ञान से क्रश नहीं पटती ओके okay. लिए हाँ. hmm. ज्ञान से क्रश नहीं पटती ओके इफ आर थिंकिंग ऑफ वाचिंग वन पीस

जीता जागता सबूत है तुम्हारे पास टेक्निक चाहिए टेक्निक वो भाई जयेश भाई अपने इलाके के सारे दल्लों को बोल चुके हैं कुछ नहीं हो रहा उसका ठीक है उसने फाइनली बड़ा निकाल लिया अपने बोले वन पीस देख ले भाई है। उन्ने, उन्ने क्या है एक सुपर चैट करी उन्होंने कहा यार एक ही कमाल का माल चार चीजें उसने कहा लिख देता हूँ उसको भड़ास निकाल जाए पूरी काम कर पहले तो उसने कहा एक तो लिखा उसने फॉर पूरा भी नहीं लिखा सीवी। ठीक है। <laughs> लेटर है। हो जाते ना, उसके बाद लिख उसने उस, कहा सबसे पहले तो सुन चुकी है ठीक है मेरे ज्ञान से क्रश नी फटती और वन पीस देख लेते भाई, भाई का बड़ा गंदा कटा होगा तो समझिए फीलिंग्स को आप

बस एक बंदा एक बंदा स्वाइप करने के लिए बस किस टाइप की डिसऑर्डर है तुमको भाई ये? उस, उससे होगा क्या उससे होगा स्वाइप करके तुम दोगे क्या उनको बदले क्या दे सकते आई कॉन्टेक्ट और कुछ नहीं वो प्यार ओह oh. प्यार तुम दोगे अच्छा <laughs> छोड़े यार देखो अगला 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 सुपर चैट है होली हेल प्रिंस आर्ट नाम है उनका होली हेल प्रिंस आर्ट प्लीज रिव्यू होली ग्रेल ऑफ इंटरनेट टू गर्ल वन कप ओह फक क्यों भाई यार तू <laughs>

बे यार आगे आगे देख बे पीजे ब्रो तुम्हारे सुपरमैन वाली वीडियो बहुत इमोशनल लगी यार बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने कि सुपरमैन असली में क्या है बस लोग ओवररेटेड कैरेक्टर समझते हो कभी कभी ना, ना। निकल आता है ठीक है गाइस हैव यू सीन मेगन इज मिसिंग वेरी अनसेटलिंग मेगन इज मिसिंग देखा है किसी ने नहीं देखा तुमने नहीं यार क्या है ये 2011 में आई है हॉरर ड्रामा हॉरर अच्छा वही स्लैशर वाली होगी यार ओके okay. ओके okay. चलो सिंस के इस टॉपिक पे हैं तो मैं कुछ रेकमेंड ही कर देता हूं हाँ। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं एकदम डूब गया अभी कुछ हाँ। कुछ भयंकर-भयंकर चीजें देखी मैंने हां तो अच्छी खासी अच्छे अच्छे अच्छी-अच्छी चीजें रेकमेंड कर देता हूं तो सबसे पहले अभी मैं फिलहाल एक कोरियन शो देख रहा हूँ माउस करके है वो तो वो मतलब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है वो उन्हीं का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है तो उस पर फ्री में मिल जाएगा अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो उसी पे है कोरियन कोई प्लेटफॉर्म है तो वो डब्ड नहीं है सब्ड है मेरे ख्याल से वो एम डी बी पे नाइन पॉइंट सिक्स रेटिंग है उसकी और काफी अच्छा वो मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर शो है पर उसकी एक ही प्रॉब्लम है बीस एपिसोड है और एक एपिसोड डेढ़ घंटे का है और मतलब काफी अच्छा है तो मैंने वो स्टार्ट किया बिग माउस नहीं सिर्फ माउस नाम है उसका तो ये अच्छा है और एक नेटफ्लिक्स पे कॉपी कैट किलर है वो भी कोरियन है वो भी देख सकते हो तो वो भी काफी अच्छा है उसमें तो मतलब ऐसा है कि भाई वो बहुत ही डीप मर्डर मिस्ट्री है वो मतलब मिडवे जाके और पता नहीं कहाँ कहाँ चेंज हो जाती है तो वो देख सकते हैं

वो इवेंट वगैरह कर रहे हैं कुछ तो उसमें चेंज ऑफ मैन जू काइसन अटैक ऑन टाइटन और प्रॉबली वन पंच मैन का कुछ अपडेट आ सकता है ओ तो भाई, तो भाई सीजन अनाउंस कर दो तो उसका चेंसो मैन का और वन पंच मैन का सीजन थ्री कर दो चेंसो मैन को लेके उसके मापा के डायरेक्टर था शायद स्टूडियो का उसने बोला कि पैसा तो कमा लिया उन्होंने बहुत सारा लेकिन जो कल्चरल इंपैक्ट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लेवल का नहीं आया शो से Like तो मतलब यार कैसे आएगा ना मतलब उस लेवल का अपन ने अपन ने बात करी ना मतलब वो नहीं था ना मजा वो बताए भाई वो ठरकियों का ठरकी शो है भाई तुमको उस तरीके से ट्रीट करना तुमने बनाया उसको रियलिज्म वो हो गया और मेन कैसे तुम जैसे वो कंपेयर कर रहे थे जुजुत्सु काइसेन थे काइसेन से उसका कल्चरल इंपैक्ट ज्यादा था वन इससे चेंसो से तो उसके पीछे एक और रीजन है कि भाई उसके 24 एपिसोड थे हम्म इसके भी अगर टाइम देना चाहिए था हां इसके भी हाँ। और अगर तुम निकालते हो क्योंकि मेन क्रेजीनेस तो इसके बाद चालू होता है जब बाकी सब अब जैसे एक चीज है हां मेरे को ऐसा लगता है कि चेंसॉ मैन में मुझे जो चीज मैंने जैसे इसको थोड़ा रे, रेट्रोस्पेक्ट करके सोचा थोड़ा ना मुझे ऐसे फ्लेयर और कलर्स की कमी लगी तो था ही भाई जैसे ये एक चीज ये सेम चीज मैंने अपनी वीडियो में बोली थी ठीक है कि तो अच्छा चेंज सो मेरा मांगा उठा के देख लो ना उसका कवर पैनल ठीक है उसके अंदर के कलर्स देखो तुम और hmm. तुम ये फिर ये शो का बहुत ब्लैंड फील होगा शो तुमको बहुत hmm. ज्यादा वही तो वो है और तुम एक एनीमे देख रहे हो यार तो एनीमे से उतना तो चाहिए ना कम से कम कि वो वही तो मतलब जैसे एक एक वो ब्लास्ट होना चाहिए ना जैसे एक hmm. एक एक, एक होता है कि प्लेयर होना चाहिए जैसे हाँ। एक आने देखते हैं ना अपन एक एपिकनेस की वाइब आनी चाहिए ना और स्पेशली चेन सो मैन भाई हाँ। एक, एक चेन मैन से आप ए, एक, एक एपिकनेस एक्सपेक्ट करते हो तो वो नहीं था इसमें किल स्मैश मैरी वॉन्डा कैप्टन मार्वल ब्लैक विडो वॉन्डा वॉन्डा कैप्टन मार्वल ब्लैक विडो किल तो कैप्टन मार्वल स्मैश uh, तो वोंडा और मैरी ब्लैकवुड है भाई क्योंकि वोंडा से मैरी नहीं करना पता चला आगे चल के बच्चे चाहिए वोंडा नहीं तो वोंडा से ही तो मैरी करना है भाई क्यों भाई उसी को तो क्या बोलते हैं उसको पैट्रिक सुख नहीं मिला भाई आगे चल के साइको बन जाएगी वो ब्लैक पैडों से बच्चे नहीं मिलेंगे ना तुमको हां तो ठीक है ना जो चाहिए वो तो मिल जाएगा अच्छा स्मैश एंड मैरी है ना ब्लैक विडो स्मैश तब मैरी वॉन्ड तब क्या दिक्कत कोई बोलेगा कैप्टन मार्वल के लिए क्या ऐसी बात करते तो ठीक है चलिए तुम्हारे लिए ब्लैक विडो किल कैप्टन मार्वल स्मैश ठीक है <laughs> तुम्हारे लिए बस <laughs> ठीक <laughs> 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 है <laughs> क्या क्या खाए मोहित भाई पीजे को मेटल गियर सॉलिड्स का रिकमेंडेशन दो दे दो भाई <laughs> दे दो भाई <laughs> अभी ऑस्कर आइजक मेटल गियर सॉलिड मेरे को लगता है पीजे के लिए नहीं है क्या गेम ये... है वो हम्म मेटल गियर सॉलिड अगर तुमको खेलना है तो मेटल गियर सॉलिड स्नेक ईटर तो नहीं फैंटम पेन खेल सकते हो उसका सबसे लेटेस्ट वाला है पर वो भी आई थिंक तुमको पसंद नहीं आएगा बहुत बहुत रैंडम गेम है वो बहुत वियर्ड है हिडियो कोजिमा का गेम है

थोड़ा सा अलग टाइप का गेम है है वाईग है वाईग है उसकी एक सॉलिड इट्स उसका पूरा यूनिवर्स अपना अपने लोग मतलब जो मेन हीरो है, उसी के तीन क्लोन हैं और वही हीरो है वही विलन है और ऐसा चलता है नहीं वो मतलब लिक्विड स्नेक और ऐसे ऐसे उसके खुदी के तीन नाम हाँ हिडियो को जी बहुत अलग है वो इट थिंक्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल आगे आगे बात में क्या है भाई भाई यार तीन घंटे का जाएगा ये पॉडकास्ट चल ले तो भाई अभी क्या है भाई, भाई, भाई मुझे घर जाना है <laughs> भाई लोग श्वेता गंगोर को लाओ पॉडकास्ट पे मोहित भाई पुणे कब आ रहे हो बादल पुणे आएगा तो बताया करो बिग एडमायर पीजे भाई थैंक यू भाई पुणे अरे पुणे का चल रहा था यार लेकिन छोड़ो रहने दो मोहित क्या पुणे कब आ रहे हो अभी तो कोई प्लान नहीं है भाई यार आएंगे धीरे से लोग अपनी एस गार्डियन ड्रेस में दोबारा दिखेगा इसकी बात कर चुके अपन एस गार्डियन ड्रेस ये तो कौन सी बड़ी बात है इसमें वो तो मतलब जब चाहे तब बन सकता है एस गार्डियन कर तो पाया नहीं ठीक है अभी क्या बात करते हो क्या बात कर रहे हो क्यों कितनी तो एस गार्ड कर रही है उसने अपनी हर कहीं तो करी है अपनी ही तो नहीं कर पाया वो अपनी प्यार में धोखा मिला है उसको अपने तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है ये बात दो अभी यार तुम फिर कहा जा रहे हो यार आगे पढ़ भाई यार नहीं <laughs> नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है उसको प्यार भाई तो मतलब खुद से प्यार किया उसने और उसी से प्यार में धोखा मिल गया उसको क्या दिक्कत है उसमें उसका मुंह देख या देख के यार बड़ा अफसोस होता है ठीक है अच्छा भाई काफी दिनों से आप लोगों को कोई प्रमोशन नहीं किया कोई रीजन Oh God, किसने भेजी है सुपर चट भंडार कितने की है एक सौ दस की मिर्ची लगाई है उन्होंने oh अपने भाई oh भाई यार भाई रोना आ जाएगा यार मत याद मतिया भाई मैं कल फोन कर रहा हूँ भाई ठीक है हाँ. तुमने बोल दिया अब मैं कल फोन कर रहा हूँ जाके देखना मेरे चैनल पे लास्ट प्रमोशन कब हुई थी पीजे के कब हुई थी मोहित के कब हुई थी और मैन ऑफ कल्चर पे कब हुई थी सुशांत भाई तुम्हारे पास कोई स्कीम है क्या? ओ, वो तो बता दो भाई बता दो रोजगार की बहुत जरूरत है हमको यार अपन भी रहा पीछे रहा नीच नीचे क्यों देख रहे हो सर रोजगार की बहुत जरूरत है अब क्या यार क्या तुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई ये देख ले ये नहीं ये नीचे क्यों देख की। भाई यार कोई दिलाओ रोजगार पीजे को पीजे के चैनल को पीजे के इन्हें बहुत इन्हें ऐसे किया भाई रोजगार की बहुत जरूरत है अपन को तो तो मैं तो भाई। इसके लक्षण ठीक नहीं है भाई <laughs> भाई आगे ये देखते क्या बोला भाई वन पीस खत्म कर दी पर अब और एपिसोड चाहिए शाउट आउट देना शाउट आउट भाई Uh, तो हिम्मत करके टीवी पे चलाई पिक्चर डीवीडी दी लगा के <laughs> ओ, भाई, 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 भाई बता मैं मैं क्या था मैं बहुत शुरू शुरू में क्या था कि भाई कुछ ऐसे उल्टे सीधे शॉट नहीं है ना जब पापा का डीवीडी है ठीक है थी मम्मी कमरे में शुरू में बिकनी वाला शॉट आया बंदा पकेले में देखा जाएगा ठीक है <laughs> और उसके बाद जो उसने मसाज दिया मुझको आज तक याद <laughs> चाहे जवान सबकी जान भाई साहब 675 marks इन नीट एम्स पक्का भाई ये सही है यार खत्म हुआ एग्जाम यार तुम लोग भाई लोग जो जो पास हुए लास्ट पॉडकास्ट स्पीड में में देख देख रहा 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 था आज लाइव तो तो ऐसा लग रहा है है तीनों स्लो मोशन बात क्यों कर कर रहे है भाई, तो भी भी कर हो हो ठीक अपनी आदत खराब करके मैं क्या तो स्लो, अभी और धीरे दिए तो। uh, ब्रह्मास्त्र का अपडेट आया ही नहीं है <laughs> uh, <laughs> okay, ये दूसरे सुपर हे मोहित इंडियन स्कूल फ्रेंड्स ए योद्धा आ, आ. मैं पह, पहला हाफ ही फिगर आउट करने में लग गया था क्या 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 मतलब यूरोपियन हॉस्टल फ्रेंड्स हे मोहित बोलते इंडियन स्कूल फ्रेंड्स क्या बोलते ए योद्धा हां समझा तुमको हां मतलब कोई बात देव गेमिंग नाइस ट्राई थलापति विजय इंडियन हॉस्टल फ्रेंड्स यो, योद्धा बोलते मतलब ऐसा हां बाहर के लोग हाय हाँ, हाँ मोहित तो बोलते तो... हैं यहाँ के ए योद्धा बोलते हैं हाँ, थाला... ये तो मेरा वैसे भी नाम योद्धा ही था ना हाँ, हर कहीं थलापति विजय चार्ज टू टू हंड्रेड करोड़ फॉर इज नेक्स्ट फिल्म व्हाट पिक्चर बन रही है बीस करोड़ पे बजट दो सौ पच्चीस करोड़ पीए क्या तुम गैल गोड के पीछे क्या तुम गैल गोड के साथ सोएगे कि वो तुमसे उन्नीस साल बड़ी है मुझको कोई दिक्कत नहीं है भाई ये कैसा सुपर चैट इसके लिए कौन कौन देव गेमिंग क्या तुम सो क्या तुम सो जिसने सुपर चैट करी क्या वो सोएगा अगर वो उससे सुनो मेरे को लगा तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं हां बोलने वाला था ओए ट्रिक क्वेश्चन ट्रिक ट्रिक क्वेश्चन सोओगे सोएगा कौन भाई वो रिस्पेक्ट वाला सोओगे बोल रहा है ऐसा तो बड़ा, बड़ा, बड़ा है हमने अच्छा 2020 से पीट पीट हमने <laughs> तुम भी तो कौन सा उसके सोने की बात करिए चाय पे ही तो ले जा रहे हो तो। उसने चाय तुम्हारी चाय नहीं देखी अभी तक तो थोड़ा अपने वो अपने मकसद से भटक गया था ना मैं चाहे बदले डीजल पिलाते तो फिर रेडियो जाती। ओ, डीजल पिलाया था विन भाई ने तो ठीक <laughs> है सारा तुम लोगों का विन भाई उसको बोलेंगे डीजल पी और मेरी आंखों में देख <laughs> बिग फैन ऑफ यू थ्री सर हर्ज हर्ज क्या हाल है बादल याद हूँ नहीं वॉट इफ ओम नोलन रावत मेक्स महाभारत तो ही होगा। अभी ओम ओम नो, ओम ओम नो को भी ओम नोलन बना रहे हैं लोग भाई ऐसा मत करो यार अरे यार यार। लेकिन फराद ओ, जी का मतलब नाम पड़ चुका है था अपन इधर मैन ऑफ कल्चर पे बकचोदी करते करते विकिपीडिया पे लोगों ने नाम चेंज कर मारा और पता नहीं क्या क्या पता कल को कोई पापराजी वो आ जाए hmm. नोलन भाई नोलन भाई <laughs> था था <कर> <laughs> <laughs> वो बोले भाई पता है वो मतलब वो हो सकता है वो उनको मतलब अंदर भी ऐसे ही वो वैसे बैठे हैं वो उधर वो अक्षय कुमार के साथ ऐसे डिस्क, डिस्कस करते हुए और नोलन भाई जान पे हाथ रखते रहत हैं उसके <laughs> मैं दोस्तों तक तो तो बोल दिया होता भाई मुंह पे ठीक है वही मतलब मैं तो वो, वो तो देखो यारी दोस्ती तो उनकी होगी लेकिन उन तक पहुंच गई हो इस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई साहब लफड़े करोगे तुम सब यार मैं बता अबे कहां गया सुपर चैट आ ना यार व्हाट द हेल ओए कि आई आई यार अभी अब रुक जाओ भाई यार अब, अब रुक जाओ रुक सुपर चैट कोई नहीं करेगा भाई अब कोई नहीं करेगा कोई नहीं करेगा हां कोई नहीं तो क्रिएटर ट्रेलर डिस्कशन प्लीज क्रिएटर ट्रेलर देखा ओ भाई क्रिएटर का ट्रेलर एक्चुअली बहुत अच्छा था मुझे पसंद आया अच्छा। काफी यूनिक सी फील देता है और डेंज़ल हाँ। वाशिंगटन के बेटे कर रहे हैं और हाँ हा। देखते है? अच्छा लग रहा है मुझको बस सही है आता है तो फिर देखते हैं माय नेम सीरीज देखी है या नहीं बवाल है एक्शन रिवेंज बीजीएम नेटफ्लिक्स एट एपिसोड एक बार जरूर देखना ओके okay. बिल्कुल

मैं मैं सपने देखता था कि मैं अभी कीचड़ में लोगों से लड़ूंगा तो कीचड़ में लड़ने के सपने तो नहीं देखते होगे तुम तो। एक पिक्चर आई थी देखता खिलाड़ी और खिलाड़ी ठीक है अक्षय अक्षय कुमार की पिक्चर देखी है खिलाड़ी और खिलाड़ी उसमें गाना है अक्षय कुमार और रेखा का क्या बोलते हैं रेखा आ, हाँ छाती पे बाल रख के क्या अरे नहीं यार वो कौन सा गाना है अह वही है क्या भरो मांग मेरी भरो पता नहीं यार एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अब यार मैं मैं भूल रहा हूं चार्ट कौन सा गाना है वो अह मैं भूल गया देखो देखो ग्रेवो फायरफ्लाइज़ देखा पीजे का बीएफ वही गाना भरो मांग मेरी भरो है शायद आई थिंक उसमें वो कीचड़ विचड़ में पूरा ऐसे रहते हैं और फिर उसके बाद ते लाइक खतरनाक तो क्या है वो अगर नहीं तो देखा तो भाई तुम म्यूजिक वीडियो देखिए भाई कीचड़ तो कीचड़ देयर इज देयर इज वन एग्जांपल ऑफ अनिल कपूर फाइटिंग इन द कीचड़ देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अक्षय कुमार फाइटिंग इन द कीचड़ ओ भाई यू शुड चेक आउट बोथ एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू लड़ाई करके दर्द तो बहुत हुआ है कीचड़ में <laughs> किसको <laughs> ये मत पूछो ग्रेवो फायर ब्लास्ट देखा आगे। पीजे के बीएफ ने अच्छा भारो मांग मेरी भारो इस ममता कुलकर्णी तो वो इन द नाइट नो कंट्रोल है वो वाला रेखा वाला अच्छा इन द नाइट नो <laughs> ममता कुलकर्णी वाज इन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी आगे। आगे। इतनी खिलाड़ी यार रहे अरे वो देखी भाई वो चल जाती थी ना स्टार गोल्ड पे जो भी खिलाड़ी चलती थी हाँ वही वही आ, खेलाड़ी। तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी वो अंडरटेकर वाली अच्छा वो तो। अंडरटेकर वाली क्या नहीं देखी क्या कौन सी नहीं वो भाई अक्षय कुमार वर्सेस अंडरटेकर

इस कर भाई नहीं अब क्या बताएं क्या मतलब ये 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 वन पीस के फैंस ही कर सकते हो <laughs> भाई मैं मे, मतलब मेरे को पता नहीं है पॉसिबल है मैं ओपन शॉट्स ले रहा हूं इधर से रिसेंटली देखा गोल्डन में। बॉय, बॉय। मैं चार पीजे जैसा है मेन कैरेक्टर पीजे जैसा है ओके गोल्डन बॉय का अच्छा कॉमेडी सीरीज है अच्छा बिजनेसमैन नोरोगामी देखो 43 एमओसी सेवेज मोहितोपी

भाई बैटल फोर्स फाइव एक कार्टून है अभी सर्च कर लो समझ जाओगे okay. 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 अच्छा, बीच बीच भूल भूल आदित्य राज का भूल गए तुम मुझको नहीं दिखा इसमें आदित्य राज मैं आप सबको फिफ्टी के से फॉलो कर रहा हूँ जो कवर करेंगे ठीक है एक दूसरे को हर पॉडकास्ट को रिपीट देखता हूँ रिपीट देखते हो पॉडकास्ट को भाई साहब 2015 में YouTube शुरू किया किया, था, नहीं किया और करने का सोच रहा है तो करो यार। चलो नेक्स्ट भाई दिव्यांश को एक आउट दे दो, दिव्यांश भाई एक बहुत आउट, ही मस्ता आउट आपको आउट। फिर क्या बादल भाई जे जे के लेटेस्ट चाप पर क्या भाई, भाई या, आ नहीं नहीं। क्या बात करूं मैं इस पर काफी बिल्डअप किया हुआ था उन्होंने ठीक है अच्छा, उसके okay, okay. उसके बाद बाद एक चैप्टर आया ना तो इंटरनेट पे लोग बोलने लगे कि ये ये क्या कर दिया, कर दिया, कर दिया वो कर दिया 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 हक वो 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 बेसिकली सारी जो थी वो कुछ हुए नहीं ठीक अरे, है। नहीं अरे की ठीक है तो थे हाँ, हो गया है Stick क्या Mattism, हाँ. हाँ क्या हो गया है क्योर क्योर हो सकता है क्या चश्मा लग जाता है अच्छा, में। आँखों की बीमारी है आ, हाँ. आगे है सुपर चैट पीजे भाई ऑफिस में एक लड़की को लाइक कर रहा था लेकिन आगे से रिस्पांस नहीं मिला तो जिम स्टार्ट किया रोज सुबह छः बजे जाता हूँ तो ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि एक हॉट वाइफ से अरेंज मैरिज करूंगा कभी क्यों पीजे से अगर, पूछा है। अच्छा। अगर, अगर, अगर लड़की के चक्कर में जा रहे हो जिम तो ज्यादा दिन तक नहीं होगा जीता जागता एग्जाम्पल ठीक है भाई खुद के लिए जाना शुरू करो तब ठीक रहेगा और सपने देखो जिम से खाली बॉडी ठीक होती है शक्ल नहीं तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ सफर इन साइलेंस बस... तुम बंदे को अभी डिमोटिवेट कर रहे हो नहीं मैं बोल रहा हूँ बस अपनी जिम्मेदारी लो अपने ऊपर काम करो आगे बढ़ते रहो बस ये लॉजिकल मैं आंसर दे सकता हूँ यहाँ पे तो मतलब उसको जिम छोड़ देना चाहिए नहीं नहीं वो जिम करे छोड़ देना चाहिए हॉट वाइफ से शादी नहीं करनी चाहिए यार अरेंज मैरिज से नहीं अबे मिले तो कर ही ले भाई ठीक है मिले तो कर ही ले मैं क्या मना कर रहा लेकिन ये सपने मत सजाओ कि जिम जाऊंगा बॉडी बनाऊंगा हॉट तो फिर कैसे मिलती है मुझे पता होता तो मैं दिया तो ऐसे ये क्या चूती वाले सवाल है इसके खिलाड़ी याद भी लगता हूं खिलाड़ी तो तुम हो बहुत नहीं भाई यार लोग गलत समझ है। लेते हैं मेरी बातों को क्या तो, मैं बताऊं जब जो ज्ञान जोत तो यहाँ बैठ के <laughs> वो वो तो बढ़िया है तो भाई यार उस हिसाब से, से तो तुम तो 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 काश काश ये गलत फहमी में उसकी भी दूर कर सकता ठीक है <laughs> कि सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि खैर आगे आगे बात करते हैं ठीक है रिलैक्स योर थ्रोट एंड लुक इनटू माय आईज ओ माय गॉड दे मोहित भैया एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूँ कुछ टिप्स टिप्स टूटोरियल दीजिए आप पढ़ाई करो और क्या टिप्स चाहिए अरे भाई <laughs> नहीं एक्चुअली पता है मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना hmm. ये चीज मेरे को किसी ने बताई नहीं hmm. मैं बहुत पढ़ता था भाई फर्स्ट ईयर में फिर मैं मे, अरे भाई बहुत मेरे को फिर बाद में रियलाइज हुआ कि यार मतलब टाइम पे पास होना इज व्हाट व्हाट मैटर्स द मोस्ट क्योंकि एमबीबीएस में क्या होता है फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दो ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर आप फेल हो गए तो मतलब आप पीछे रह जाते हो छह महीने पीछे हो जाते हो तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप पीछे ना हो बस क्योंकि वो अलग बैच में रह जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा तो बस... तो ना हाँ तो मतलब पास होना जरूरी है पास हो जाओ अगर, अगर, अगर मतलब ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना आपका कि एम है कि गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना मुझे और एमबीबीएस में थोड़ा पास होना इज डिफिकल्ट क्योंकि आपको पचास परसेंट स्कोर करने पड़ते हैं पास होते चलो उसके लिए भी पढ़ना बहुत पड़ता है लेकिन पास होना गोल रखो बंदे को तुम्हारे आंसर का पहला मतलब। पार्ट सुन के वो खुश हो गया रहेगा कि चलो पढ़ाई नहीं करूंगा मैं आ, फिर आगे, आगे, आगे का पार्ट, पार्ट सुन के और दुख हो गया कि भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मतलब ऐसे मतलब बहुत खुश मत जाना कि मतलब यार मेरे को मतलब बस मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है कि मतलब मेरे को पढ़ना है तेरे नाम के सेकेंड हाफ की तरफ मत जाना वो थोड़ा मतलब ऐसे एंजॉय कर लेना मेडिकल कॉलेज में hmm. क्योंकि मतलब उसके आगे बहुत पढ़ना वही ना एंजॉय कर लेना लड़कियां लाइन hmm. मारे थोड़ा सा देख भी लेना फ्रेंडशिप कर लेना फ्रेंडशिप hmm. आगे सुपर चैट है जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर क्रिएटिंग ऑसम कंटेंट योर वीडियोस हैव बीन अ सोर्स ऑफ जॉय एंड डिस्ट्रैक्शन फॉर मी ड्यूरिंग अ टफ ब्रेकअप टाइम वॉचिंग योर वीडियोज हैज हेल्प मी टू मूव ऑन अरे भाई Ooh.

और पे ऑफ क्या देना है ऑडियंस को अच्छे हॉरर डायरेक्टर्स को पता खैर आगे पढ़ बोले हूं hmm? मुझे लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब सब हॉरर डायरेक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं लेकिन जो होते हैं उनको ये इसका आइडिया होता है ये क्या बोल रहे हैं uh... अच्छे हॉरर डायरेक्टर्स अच्छा सुपरर मूवी बनाते हैं नहीं जैसे एक वो भी हो गए ना अपने शहजाम वाला हां हम डेविड स्टैंडबर्ग

अच्छा हुआ तो मैं का पहले तो पहले <laughs> बीदी बीदी का तो खुजाल मिटाऊंगा सबसे बीवी बीवी तू एक काम कर लाइट्स आउट वाली मैंने देखा पे डाला था हाँ। वो स्विच वाला मैं, हाँ। मैं जो सारे एक्सपेरिमेंट अपनी के साथ करता मोहित थैंक यू आपकी वजह से मुझे मिला कॉमिक देख देख के ज़्यादा था एक बंदी को इम्प्रेस करने हो, हो गई आ सागा सुनो सुनो नहीं देखे रुको देखे रुको देखे रुको देखे रुको, देखे रुको। इम्प्रेस करने के बाद फुल स्टॉप मारा हुआ है फिर हो गई लिखी और उसके बाद तीन एक्सक्लेमेशन मार्क डाले हो गई हो गई भाई हो गई कौन था इससे पहले वो सुशांत नहीं क्या नाम था कहा गया वो वन पीस वाला वन पीस वाला हाँ कहा है वो किधर गया

<laughs> बाकी सब काम छोड़ो मेरे वीडियो देखना शुरू <laughs> है, आज नहीं बोलो है। ना तुम कवर करो ना उसको सॉरी भैया लोग आज टाइम नहीं है बंदी का बर्थडे बाद में देखूंगाई इसके लिए हमें छोड़ के बंदी के पास जा रहे हो तुम वो कुछ पैसे जोड़ के बंदी को और क्या अच्छा गिफ्ट दे दिया होता भाई नहीं भाई नहीं मैं ऐसी बहुत करता थैंक यू सो मच भाई ये आई लाइक दिस थोड़ा सा बीच में भी आ करो सब लोग के 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 कर कर दो चैट भीशन मूवी सीरीज विथ फाइव पार्टोनी मस्ट वॉच एंड प्लीज रिव्यू कोई तो बादल रिव्यू करेंगे नहीं भाई मैंने भी नाम पहली बार सुना है ठीक है देख ले फिर और क्या देखूंगा ट्राई करूंगा आगे है मार्वल में जो महिलाओं की कास्टिंग करता है उसे दो पप्पी हम्म hmm. उसे मैं तो दूंगा दूंगा तो जरूर से क्या वो मिले फिर दूंगा मैं क्या पप्पीया दूंगा या कुछ च्या? और वो पीजे बताएगा <laughs> पैंट खोल बस ये बस इतना समझ लो कि पैंट खोलने में ज्यादा देर नहीं लगाता <laughs> मैं देता हूँ मोहित ब्रो शादी को एक साल हो गया गुड न्यूज कब दोगे मैं ये ये मोहल्ले वाले नज़र भा, भाई ये ये मतलब अब तो, ये यार मम्मी पापा मोहल्ले वाले सवाल यहाँ भी पूछने लग <laughs> <हो> गए <गया यार। laughs> <आगे। laughs>

फिर मूड में बात करेंगे 12 बजे के बाद नहीं सीरियसली विंड डीजल का सुपर चैट है पीजे ड्राइव पे चलोगे मेरे साथ ड्रिफ्टिंग करेंगे चलें भाई ये बस पॉडकास्ट खत्म हो जाए आ जा रहा हूँ मैं भाई पीजे देख लो भाई देखो दे अभी रात के एक बज रहे हैं मैं बात भाई। नहीं होगी गाड़ी न, में ड्रिफ्टिंग नहीं होगी गाड़ी में पता चल रहा है विंड डीजल भाई बोल रहे हैं ये जरा हैंड ब्रेक खींचना भाई। 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 आ, ओ भाई ओ भाई रे ओ भाई आगे ये बोल रहा है पीछे कह रहा है बिन भाई ये तो हैंड ब्रेक जैसा लग नहीं रहा मतलब पागल वो, वो बोले यार रुक दो मिनट में हो जाएगा अभी हैंड ब्रेक जैसा <laughs> बोले खींच के तो देख हैंड ब्रेक ही है <laughs> बोले <laughs> बिन भाई खींचने से गाड़ी तो रुक नहीं रही बोले और तेज हो गई <laughs> भाई। <laughs> 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 नो भाई साहब इसे भी अपन हॉलीवुड पिक्चर के मज़े लेते हैं ठीक है भाई <laughs> <laughs> आगे बादल बहन के भाई शाउट आउट दे शाउट आउट सर देव गेमी शाउट आउट ओके ठीक है मेगन इज मिसिंग इज नॉट अ स्लैशर मूवी इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऑफ मिसिंग गर्ल्स इन यूएसए एस ए मूवीज एंड विल हॉन्ट यू फॉर सम आवर्स डेफिनेटली ठीक है देखते मौका मिलता <laughs> है uh, फिर आ, फिर आगे है भाई मेरे स्कूल में आज सिंगिंग कंपटीशन था लड़कियों ने इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग ले लिया और स्टेज पे घंटा किसी को कुछ समझ नहीं आया <laughs> <laughs> uh, yeah. ये वो. आयो तो था कुछ बोलने के लिए मूड हम्म लेस मोटिवेशन तुम अपना माइक दे आते तब ना वो वाला सुना है? तुमने वो एक वो चला था बीच में डेस्पसीतो वाला डेस्प पाकिस्तान डेस्पसीतो जो आया था मैंने नेमेशे नेबडिस ठीक है आगे है शुड वी रिस्क फ्रेंडशिप एंड स्टार्ट रिलेशनशिप फिर ये प्यार मोहब्बत वाले सवाल यार अरे ये पीजे yes, बताओ आई लव दिस पीजे बताओ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप डेडिकेटेड हो के नहीं पूछी भाई पीजे बताओ बताओ तुम बताओ तुमने रीड किया है फ्रेंडशिप okay. और रिलेशनशिप क्या चूज करोगे तुम रिस्क करनी है फ्रेंडशिप अगर तुम फ्रेंडशिप में हो तो फिर क्यों रिलेशनशिप में जाना है तुम तो? भाई अबे यार दूसरे वाले से पूछना भाई मेरे से क्या पूछ रहा है ठीक है मैं बता रहा हूं सुनो वही तैसे इशारे नहीं ठीक है मैं तो बता रहा हूँ क्यों रिस्क करनी है ठीक <laughs> है आ, हाँ मैं बताया वो बर्ड बोल रहा था हाँ। कि दिल में कोई गिला शिकवा मत रखना ठीक हाँ। ना स्पाइडमैन का डायलॉग है न? अपना ऑटो एक्टिविस्ट बोलते हैं प्यार एक जहर की तरह होता है ठीक ना जितने दिल में जितना ज्यादा दिन तक दबा के रखोगे वो क्या कर वो जहर ही हो जाता है ठीक ऐसे ही कुछ बोलता है वो ज्यादा देर तक दबा के नहीं रखना चाहिए वरना खुद, खुद खुद से वो तुम्हें खाने लगे एक बार बता दो फिर बाद में कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी और अगर इस चक्कर में फ्रेंडशिप चली गई तो चली गई चली गई नए दोस्त बना ले एंड अगर उस चक्कर में तुमको लगने लगा कि यार भाई अब तो बहुत अच्छी दोस्त थी यार अब क्या करूं मैं फिर तो भाई गलत आदमी से पूछा ही यार तो मैं क्या बताऊं प्यार मोहब्बत वाले सवाल मत मेरे से पूछा करो मैं रेड स्कल नहीं हूं कि सोल का रास्ता दिखाऊंगा मैं ठीक <laughs> है <laughs> बाकी बता दो डेडिकेटेड मेरे से नहीं पूछा है <laughs> नहीं पीजे ने जो आंसर दिया वही मेरा भी आंसर है चलो कल मेरा बर्थडे था बट माय फ्रेंड्स डिडंट विश मी ओ कोई दिक्कत नहीं है यार अराउंड अस नाम है इनका बाकी होता भाई जैसे जैसे चौसठ दिन कौन ही प्यार करता है ठीक है भाई जैसे जैसे जिंदगी में बड़े होते जाते हैं ना तो बर्थडे विशेष कम होती चली जाती है ठीक है ऐसे ऐसे दिन आएंगे जब फोन बजना बंद हो जाता है आपके बर्थडे पे चिंता मत करो और ये सही है पता है मतलब मतलब पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है कि मतलब वो दिन अपना खुद का रहता है सो या दैट्स गुड पीजे चालू करो रीड आगे है आल्सो रिकमेंडिंग माइक

टिप्स से पूछा। उसके मतलब, प्रपोज करो या फिर आफ्टर अर्निंग ओ कर दो भाई आ, देखो ये सब मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आपके और उसके बीच में कनेक्शन कैसा है मुझे लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कमा कैसा रहे हो अर्निंग वर्निंग ये सब सब सब्जेक्टिव सब चीजें ये तो आपको खुद से कॉल लेना पड़ेगा तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है ये चीज है बाकी तो देख देख लेना ले और... पैसा नहीं करते हम्म और भाई, मैं 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 पैसा रख के देख चुका भाई ठीक है <laughs> तू देख <laughs> ले <फ्रार नहीं। laughs> अनुज बड़े भाई <coughs> आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट और फिर मोहित सर पंद्रह साल की थी तब से टाइप वन डायबिटीज है अब इंसुलिन लेकर थक गई हूँ दिन में तीन बार लेती हूँ इंसुलिन सर कुछ बताओ क्या अगर

नहीं इंसुलिन तो हाँ मतलब थोड़ा सा रहता है पर मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता उसको ले सकते हैं पर उसका कोई वो नहीं है मतलब नहीं है तो लेना ही पड़ता है और कोई वो इंसुलिन तो मतलब पेन जैसा होता है उसको आप बहुत आराम से लगा सकते हो पर वो आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है तो आपको ऊपर से लेना पड़ रहा है आपकी बॉडी रेजिस्टेंट है जो यार दिन में तीन बार तुमको भैया खुद को मेन बात क्या है ना वो पंद्रह साल की है तो वो टीनेज एज वो समझ में आता है नहीं नहीं वो पंद्रह साल की थी वो... तब से वो करती आ रही है आ, वो चल। तो वो अब मतलब यू हैव नो अदर चॉइस उसमें कुछ कर नहीं सकते आप तो वो है क्या कर सकते हो कमिंग फ्रॉम अ डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो कमिंग फ्रॉम अ कैविल फैन प्लीज वॉच सुपरमैन एंड लुइस भाई सुपरमैन एंड लोएस बहुत तगड़ा चल रहा है भाई बहुत तगड़ा चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है सो तो सुना है अगले सीजन के लिए रिन्यू नहीं हो सकता है वो आ, मतलब दो शो को सोच रहे हैं वो लोग रिन्यू करने का या तो सुपरमैन एंड लोएस रिन्यू हो जाएगा या फिर गौतम नाइट्स रिन्यू हो जाएगा आई एम होपिंग कि सुपरमैन एंड लोइस को कर दें वो क्योंकि बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई वो सुपरमैन लोइस के साथ पर वो वही रहता है ना जैसे फ्लैश जो था फ्लैश का शो था वो भी अपने तीन सीजन तक बहुत अच्छा चला था बट वो जितना लंबा चलता है उतना भाई। तो वो मतलब वो क्या है ना कि जब वो मतलब अभी अच्छा चल रहा है वो बहुत लेकिन जब वही चीज सीजन छह सीजन तक ड्रैग हो गई पहले सीजन में मुझे लोज नहीं दिखे दूसरे में दिखने लगे आ, नहीं मतलब अभी भी वो बहुत अच्छा है पता है तुम उसको देखोगे ना मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मतलब सुपरमैन का काफी अच्छा पोट्रेल है तो तुम देखो उसको लेकिन क्या है कि वही बात है कि जब वो पांच सीजन तक चलेगा तो क्या वो उतना ही हाई पॉइंट पकड़ के रखेगा देखते ये क्या करेंगे वो आ गए यो हेलो आई एम टू ऑल आई एम आई मीन 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई व्हिच इज नॉट गोइंग बैड आई विश टू गिव यू गिव द एग्जाम सो फॉर दैट आई हैव टू स्टॉप मूवीज YouTube एंड ऑल ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन प्रिपरेशन में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ऑल द बेस्ट भाई साहब बस पढ़ाई में जिंदगी मत भूल जाना मैं जब आ, मैंने जब एग्जाम की तैयारी करी थी अपने आ, नीट वगैरह की मतलब मैं जब पीएमटी की तैयारी करी थी और उसके बाद जब अपने एमबीबीएस वगैरह की भी करता था ना तो ऐसा गोल बना लेता था कि अब तीन महीने पिक्चर बंद छः महीने पिक्चर बंद नो पिक्चर नो सीरीज नो नॉवेल्स नो गेम्स और फिर क्या होता था कि जो मूवी आती जाती थी और जो सीरीज आती जाती थी और जो भी गेम्स आते जाते थे वो एक रजिस्टर में लिखता जाता था मैं बाद में देखूंगा हाँ तो मेरे ना मतलब रजिस्टर के ऐसे पेजेस भरते जाते थे पूरे पूरे ऐसे लिस्ट बनती जाती थी पेजेस भरते जाते थे ऐसे पूरा मैं लिखता जाता था फिर वो कैप्टन और अमेरिका जैसे बर्फ से आने वाला ऐसा टिक करता है एक दो हाँ तीन तो वो लिटरली होता था कि ऐसे मैं पूरा कॉलेज में खत्म करके फिर ऐसे पूरे ऐसे कट करता रहता था कि देखते देखते खेलते जाता फिर उसके बाद गेम खेलने शुरू फिर ऐसे ऐसे करके खत्म करता था मैं जैसे और वो लिटरली ऐसे एग्जाम कॉलेज के एग्जाम खत्म करने के बाद ऐसा होता था, था तो गुफा से जैसे बाहर निकलते ना, तो लिटरली ऐसे होता था कि चलो भाई अब क्या पिक्चर देखी जाए हाँ चलो ठीक है अब ये देखना शुरू करेंगे एक एक करके भाई पर वो फीलिंग रहती है भाई जब आप इतने महीनों बाद कुछ शुरू करते हो ना देखना वही फीलिंग तो अब नहीं आती है भाई यार अब तो भाई यार मुझको याद है नानी घर में रहता था लैपटॉप पुराना सा पिक्चर देख रहा हूँ सुबह बस चालू देखे यार और फिर दूसरे खत्म होती दूसरी पिक्चर चालू फिर तीसरी में चालू भाई बैठे बैठे ना <laughs> पिछड़ा हाँ। लगता था अभी जलन होने लगती थी भाई इचीनेस भाई बैठ तब तो मतलब ऐसा रहता था, था जैसे मान लो कॉलेज में है ना कोई मूवी का ट्रेलर आया और जैसे एग्जाम है तो वो डेट देखी ट्रेलर की कि कब आ रही है अरे यार तब लग रही है फिर था था। चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे ऐसा होता था, था। एग्जाम के साथ कोई इंसाइड कर रही है तो फिर वो डिस्कार्ड हो जाती थी मूवी फिर चलो ठीक है तब देखेंगे

अच्छा याद नहीं रहते ना भैया मतलब पूरा <coughs> नहीं लिखता मैं क्योंकि वो वो मतलब बोलने की फ्लो में जो निकल जाता है वो निकल जाता जाता है है ऐसा मैं मैं एक ही बार लिखता हूं। मैं हाँ। कहते फिर मुझको याद नहीं क्या है क्या क्या बोला <laughs> हाँ, मेरा स्क्रिप्ट पे ही चलता है। हाँ। कहते में 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 हैं हम्म वो होता है वो वो, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं मैं तो स्क्रिप्ट मैं बना के पूरी कर लेता हूं एक वीडियो मुझको पता नहीं कोई याद है मैंने 2 घंटे में वीडियो निकाल दी थी शायद तो उस तरीके से टॉपिक भी था कुछ था और आई थिंक आज भी शाम के 4 बजे बैठता हूं 6 6:30 बजे तक एक वीडियो दे देता हूं अगर अगर वैसा कुछ नहीं है अगर हल्का टॉपिक जैसे सुपरमैन मेरे साथ में थोड़ा सुपरमैन की वीडियो हो गई ना सिर्फ फीलिंग्स ही लिखनी है आपको ठीक ना एक आउटलाइन है कि हाँ सुपरमैन को क्या क्या डिफाइन करता है तो लिख के दो ढाई घंटे में निकल जाती है मेरे साथ में प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मेरे वीडियो लंबे होते हैं ना आ, वो वो बात है सबसे तो मैं लंबा नहीं तो मेरे साथ में प्रोसेस लंबा हो जाता है और मेंबरशिप का क्या हिसाब है बादल

आगे है विच एक्ट्रेस शुड प्ले पॉइजन आइवी एज शी इज हॉट भाई पॉइजन आइवी तो अपने जलवे ही दिखाती है पॉइजन आइवी तो भाई ए, वो पॉइजन आइवी है वो अहमद वो उमा थरमन की देखी थी तुमने पॉइजन आइवी बैटमैन एंड रॉबिन देखी है हां देखी है देखी है हां उमा थरमन का पोर्ट्रेयल मेरे ख्याल से और किसी भी मूवी में पॉइजन आईवी नहीं बनी है अभी तक कोई भी ना नहीं और तो कोई नहीं बनी है हम्म hmm. आ, कुछ लोग नाम ऐसे रेकमेंड ऐसे कर रहे थे कि जैसे मेगन फॉक्स वॉक्स टाइप ये तो काफी जेनेरिक नाम हो जाएंगे ना मतलब हाँ ये टॉप की एक्ट्रेस उठा लो वो हो गई हाँ uh... पॉइजन आईवी भी hmm. आई जाएगी जल्दी आ जाएगी जेम्स गन है वैसा आदमी ठीक है ah. मुझे वन मंथ हो गए मेंबरशिप लिए लेवल थ्री के बट मेरा नाम शाउट आउट में नहीं लिया सर पीयूष मिश्रा ओ oh, भाई यार पीयूष मिश्रा शाउट आउट पीयूष भाई शाउट आउट शाउट आउट टू यू आगे किसने बिल्कुल सोएगा galgadot के साथ सुगर मम्मी भाई क्या ही बोलियम स्किप पर चलो चैलेंज फॉर पीजे टेट वॉच डोमेस्टिक

उसके एक्चुअल दिल में जो बसती है वो उसकी स्कूल की टीचर बसती है ठीक है ऐसा, हाँ, फिर वो एक दिन घर आता है तो उसके पिताजी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमने नई शादी कर ली है आपकी नई हैं, उनकी दो तो बेटियां हैं, जिसमें से एक वो टीचर है और दूसरी वो लड़की है <laughs> मतलब वो... वो जिसके साथ वो सो चुका सो है वो है और लड़की की बहन होती है मतलब वो जो टीचर होती है वो बहुत यंग होती है मतलब टीचर समझ रहे हो ऐसा स्कूल की टीचर है है लेकिन यंग है वो तो वो हैं तो तो बन है। <laughs> <laughs> है। बनने से पहले सोया था ना भाई शादी से पहले सोया था वो, ओ वो तुम ऐसे बता रहे हो जैसे अब वो सोएगा नहीं उसके साथ तो यही तो मामला है कि वो टीचर मैं रहा हूं भाई। ठीक है जल्दी जल्दी होगा ठीक है ये बता रो के जल्ण, जल्ण, ने मांगा जल्णी जल्णी क्या होगा <laughs> जल्दी जल्दी क्या होगा <laughs> अरे वो ये नहीं देखना है कि क्या हो? एक हाथ छू रहा है तो फिर तड़प रहा है मैं कह रहा मेरे को जागता है पहले डायरेक्ट विंड डीजल भाई अगर आप देख रहे हो तो जल्दी से हैंड ब्रेक पकड़ाओ अपना विंड डीजल भैया आगे आगे चैट है ब्रो आई एम इन अ रिलेशनशिप बट आई लॉस्ट माय जॉब लास्ट मंथ नाउ एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड फेसिंग कॉम्प्लिकेशंस इन माय रिलेशनशिप व्हाट टू डू मेरे मेरे से तो मत देखिए अब तुम दोनों बताओ तो ये जॉब जाने के कारण हो रहा है या और... जॉब जाने के कारण है, है दोनों है। चीजें हैं uh, अपने मेंटल स्टेट में सही नहीं है तो मतलब क्या नाम है और रिलेशनशिप रिशभ का रिव्यू रिशभ भाई देखो मतलब ऐसा रहता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं फेजेस आते हैं जाते हैं और ये भी एक फेज है डिफिकल्ट है आई एग्री बट दिस विल पास एवरीथिंग इतनी आते सारी चीजें हुई हैं, हाँ, आते हैं। और मतलब ऐसा है ना कि मतलब ये दो चीजें एक साथ हो गई हैं इसीलिए आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है बेसिक प्रॉब्लम ये है तो बस ये कि जस्ट सॉल्व वन एट अ टाइम लो हाँ वन डे एट टाइम लो और दिस विल पास डिफिकल्ट है पर बस जस्ट गेट आउट ऑफ बेड एंड गो थ्रू योर डे एक एक दिन में एक चीज करो वन थिंग एट अ टाइम करो हो जाएगा और लोगों के आसपास रहो अपने दोस्तों के आसपास रहो तो थोड़ा आसान रहेगा जॉब के लिए ट्राई करते रहो हम्म कोशिश करो आ, लिखा है नेक्स्ट सुपर चैट ये लास्ट सुपर चैट है सब के पैसे और सबर खत्म हो गया है एंड आज मैंने ब्रेकिंग बैड सीजन टू एपिसोड टेन तक देख लिया कंग्रेचुलेशन बाय यू आर इन द दिट्स नाउ ठीक है खत्म कर लो उसको सीजन थ्री से असली मज़ा चालू हो है उससे गर्स एक बार आया ना हम्म आगे है सुपरशेट भाई लोग मर्डर मिस्ट्री मूवी सजेस्ट करो एक तो नाम ही है मर्डर मिस्ट्री एडम <laughs> सैंडलर की देख ले भाई मर्डर मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री पता है मैंने मतलब बहुत सारी देख ली है अब तो और मतलब मेरे को इस जॉनर को एक्सप्लोर कर, करने के बाद मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया नेटफ्लिक्स के पास अब मेरे को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर लिया तो बता बता दे दे इसको कुछ बता दे। तो सीरीज नहीं है मतलब मूवीज में कुछ नहीं रखा अगर आपको मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो आपको सीरीज में घुसना पड़ेगा तो अगर आपको अच्छी सीरीज देखनी है ट्रू डिटेक्टिव स्लो बर्न है तो वो मजा देगा और फिर उसके बाद आप और दूसरी लैंग्वेजेस में जाओ क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग यूएस वाले हॉलीवुड वाले कुछ अच्छा नहीं बनाते है. तो नेटफ्लिक्स पे भरमार है दूसरी लैंग्वेजेस में जाओगे आप तो वलहाला मर्डर्स बहुत अच्छी है फिर उसके बाद कोरियन लोग बहुत अच्छा बनाते है हैं अच्छा है, है, अच्छा यूरोपियन तो भरे पड़े हैं भाई बहुत बहुत सारे हैं मैंने ट्विटर पे एक दिन डाला था तो वो खूब खूब सारे देख लो जाके जिम वाली अच्छी लगती है मेरे यहाँ वैसे ही नहीं आती कि मैं नहीं बताओ प्रोफेशनल रहे मैं नहीं मुंह मारता हूँ बस मेरे बहुत प्रोटोकॉल से भाई अच्छा भाई भाई इसका प्रोटोकॉल अपन निकालेंगे बाद में ठीक है नहीं, प्रोफेशनल नहीं जिन... बोल रहा है ना प्रोफेशनल जगह मुंह नहीं मारता हूँ बोल रहा है ना ये <laughs> क्या है ये कर रहा है कभी देखा क्या तूने मेरे को करते हुए अब बताओ बोलू मैं कुछ नहीं जिम जिम में तो देखो यार जो प्रोफेशनल जगह नहीं बोलता हूँ मैं और जो इसका सबसे बड़ा प्रोफेशन है <laughs> 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 वहां कुछ नहीं करता मैं या, याद आया पता आ... चला कुछ बस नहीं प्लीज नो ठीक <laughs> है <laughs> <laughs> मेरे सा, सारे चैट्स मिस कर दिए भाई तुमने अरे नहीं यार अरे तो बोल ना बैक करना इसमें अरे रीड किया भाई मारोल एंटरटेनमेंट के कितने सारे चैट मतलब नाम उन्होंने मारोल एंटरटेनमेंट रखा हुआ है आगे बात जैसे तारक मेहता का कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कहाँ थे अपन अब ढूंढना पड़ेगा ओके uh, okay, ये रे मेट्रो मेट्रो बोइंग ने मेट्रो बू भूमि रे कोई रैपर ऊपर है कंपोज किया है स्पाइडरवर्स में सेल्फ लव सॉन्ग काफी अच्छा लगा सुनने में ओके एक्सट्रैक्शन मूवी ट्रेलर में कौन सा सॉन्ग यूज हुआ एक्सट्रैक्शन मूवी ट्रेलर में इतना ध्यान नहीं दिया अपन ने वही वो वो जो था ना रा 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 वाला क्या है वो तो लास्ट वो में तो तो लास्ट में करते हैं वो तो लास्ट यूज़ करते हैं थीम आ, हो गया ना उसका मेन पॉडकास्ट स्पेशल गेस्ट अच्छा अच्छा था लव फ्रॉम अरे सर सर oh, भाई thank thank 2018 so अच्छा, 2018 मलयालम अच्छा, मूवी का नाम बहुत सुन रहा हूं मैं तो अरे वो अपना मिन्नल मुरली का एक्टर था ना तो बहुत चल रही है भाई काफी कम बजट में बनी थी और ब्लॉकबस्टर हो चुकी है वो थिएटर्स में ओके okay. हाँ. अब एक वो मलयालम मूवी से आधा एक मलयालम मूवी देखी थी मैंने फॉरेंसिक ओके बहुत टॉप क्लास मर्डर मिस्ट्री भाई टोविनो थॉमस की है बेहतरीन बेहतरीन मतलब बेहतरीन मजा आ जाएगा मैन ऑफ कल्चर में आने का क्राइटेरिया क्या है मैन ऑफ कल्चर गेस्ट ओ ओके कोई एक बहुत बड़ा कांड हो और उसके तुम प्रोफेशनल हो ठीक है <laughs> तब। भाई मुझे सबसे ज्यादा दया मिर्जापुर वाले नौकर पे आता है बेचारा अपनी मालकिन खुश कर रहा था गोल्डन डेज कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों में तुम्हारा हाथ ना हो और कुछ और हो हाँ, तो वो कट जाता है फिर और बहुत ही गंदा कटवा लो फिर आप लिटरली और Literally. वो भी वही वही ये इसका हाल भी वही हुआ हाउस ऑफ ड्रैगन की तरह वाला वही हिसाब है भाई। कि जुर्म सेक्स को प्यार समझ बैठा <laughs> <Literally, laughs> लिटरली करलन पे उस तरह चलवाने वाली बात हो गई ये तो ओ भाई यार पीजे भाई की लव स्टोरी पेन से नहीं पेन से लिखी है ओ, ओ भाई बड़ी पेन सो मच भाई पर मतलब थी भी क्या कुछ मत नहीं उस ऊपर चर्चा करें तो नहीं यार बस ऑलरेडी बेचारा बहुत दुखी है अच्छा आपको क्या लगता है डेडपूल एमसीयू में कैसे एंटर करेगा ऐसा फाड़ेगा और ऐसा घुसेगा बादल सर मेरे चैनल का को कोई एक भी शॉर्ट भाई डेडपूल डेडपूल तो मतलब डेड मैं

वो आएगा कैसे इधर करेंगे उसको डाले उलेंगे कहीं से निकलेगा पिक्चराइजेशन ही कंप्लीटली डिफरेंट है उसका पूरे यूनिवर्स का हम्म mm -hmm. तो वो पूरा Boy भाई वॉचमैन पर डिस्कशन करो मेरी वन ऑफ फेवरेट कॉमिक बुक्स कॉमिक्स मेरी, भाई भी भाई, तो भी मेरी भी भाई थे मेरी भी मेरी भी भाई सुना एलन मोर फाइनली शायद एंटमैन मैन पे मार्वल के लिए कुछ लिखने वाले हैं अच्छा कितनी बार कॉमिक बुक्स कॉमिक्स ओ oh. बड़ी बात है भाई कांट फाड़ देता है भाई बंदा क्या बात कर रहे हो सच में अबे बड़ा बड़ा बेस्ट बेस्ट राइटर है भाई बेस्ट कितनी बार फाड़ा है तुम पढ़ ले कोई भी उठा के एक ठीक ना फट जाएगी पहले आ, आगे है कि... क्या है बादल भैया साउंड ऑफ साइलेंस मूवी देखो मस्त है लव साउंड ऑफ साइलेंस क्या है साउंड ऑफ साइलेंस देखिए मोहित सुना है ना पीजे भाई आगे आपको, आगे आप पीजे भाई आपका कोलाब विद सुपर सुपर इन जीबी रोड मस्त क्या है ये अच्छा जो ब्लॉग का देखा हूं बस मस्ती मजाक जीबी रोड की क्या बात कर रहे हैं लोग क्या कर रहे थे जीबी रोड पे तुम तो? कर रहे थे वो कंबल बांट रहे थे वहां पे जीबी रोड पे कंबल कौन बांटता है बे मैं बांट तो जीबी रोड पे तो कंबलों में घुसा जाता है कंबल बांट रहे थे विचर सीजन 3 के ऊपर बात करो विचर सीजन थ्री कब आ रहा है वाले अब तो हो ही गया भाई उसको क्या हुआ कैविल भैया के बल्ले देखने के लिए बस देख लूंगा एक बार किसके कैविल भैया के अच्छा बल्ले ओ, ओ और अपनी एक और ना आन्या चलोत्रा हाफ इंडियन है वो शायद हम्म मैंने तो फुल देखा ठीक <laughs> है ओके ओके बोलते हो ये आश्चर्य नहीं है आश्चर्य ये होगा कि तुमने कितनी बार देखा वो बताओ ओए यार नहीं देखना चाहिए था वो भी देखा। उसका जो वो स्पेल वगैरह डाल रही होती है वो सीन पीजे बताना कितनी बार देखा तूने भाई यार क्या गंदा जोक मेरे में क्या बताऊं ठीक है भाई भयंकर rumor है कि जेफ लवनेस कैंग डायनेस्टी नहीं लिख रहे अरे डिस्कस कर लिया बात की ना कर ली कर ली बात पीजे भाई लखनऊ में कब मुलाकात हो रही है आपसे जल्द ही ओपन आई मार्क टाइम पे बस इलेक्शन इलेक्शन आ जाए तो आएंगे सरकार बनाने के लिए वो लखनऊ नो नो पॉलिटिक्स की बात ठीक ना ठीक नो पॉलिटिक्स हैव यू गाइस वॉच नेटफ्लिक्स यू पीजे विल लाइक नेटफ्लिक्स का यू नहीं देखा

68 हाँ 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 कबड्डी हाँ क्या नाम है हाँ वो एक्ट्रेस का मैट मेंट्टी सिडनी स्वीनी यार हाँ 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 हाँ। कौन पिक्चर सुन ना पिक्चर के प्रमोशन उसके चल रहे हैं हाँ। आर रेटेड हाँ। लव स्टोरी हाँ। तबाक प्रमोशन चल रहे हैं हां अभी तक कहानी की बात नहीं हुई अच्छा मेनू लव की बात हां मैं वही पर्सन कहानी तो बता दे यार तुम कहानी देख जाओगे उसको नहीं कहानी ट्रेलर भी तो कहां दिखाया अभी आ, अरे चल उसमें उसमें दिखाया दिखाया ना वो में, सिनेमा कौन में इधर इधर आएगा भी दिखाएंगे मैं रिएक्शन मार रहा कहानी, कहानी, कहानी बेबी लॉन्ड नहीं लगाई इन्होंने तो फिर ये बात ही पिक्चर जल्दी आ जाती पे जल्दी डिमांड करेंगे हम भाई लोग आपके हिसाब से कौन से गेम पे टीवी सीरीज होनी चाहिए भाई क्या लिखा है इसमें स्पेस बार दिया ही नहीं देखो अगर मेरे मैं कोई करूंगा ठीक है अगर सीरियस करनी होगी तो मैं हेलमेट पे जरूर बना रहा हूं ठीक है लेकिन अगर वैसे मस्ती मसाला देना है हां तो रेजिडेंट इवल हाँ। लेडी रेसिडेंट इवेल पे तो बहुत बना बहुत कोशिश कर ली अभी नेटफ्लिक्स पे भी तो आया था वो पता हॉरर नहीं जा रहा है ना वो

गजब था रखे भाई गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैपर कृष्णा सुने कौन कृष्णा उसका सुनना तुम मचाएंगे फोर मैंने भी ज्यादा नहीं सुने मैंने ये एक दो ही सुने रहेंगे <laughs> भाई ये धीरे क्यों हो गई आवाज धीरे हो गई अर्चना ने सुन ली होगी भाई मेरी स्कूल बस में फोर्थ क्लास के दो बच्चे छोड़ो मैं नहीं बात कर भाई इसकी रिमेंबर नेम कम बैक थ्री ए लेटर ओके पीछे तुम पढ़ लो यार भाई रीड करो यार बस हो गया कहा नाम इतने तो नहीं रीड किया जा रहा यार भाई यार करो भाई लोग भाई हो यार रुक जाओ आप बस हो गया यार स्पेल करो स्पेल करो स्पेल बी वाई के यू वाई के यू के यू अबे भाई यार नहीं दिन बाद मुझको सर रीलोड करना पड़ जा रहा है ना रिफ्रेश करने के लिए चैट्स को हां ठीक है आप जितने है, मैं रीड कर रहा हूं ठीक है वो ये आ, बोल रहे हैं कि मेरा नाम याद रखना 3 साल बाद आऊंगा मैं ऐसा ठीक है अभी नाम रीड करने नहीं हो रहा कॉमिक वाज प्लीज डोंट शो पीएनआर इन ब्लॉग नंबर विल बी लीक व्हाट पीएनआर इन ब्लॉग नंबर व्हाट अच्छा वो एयरपोर्ट पीएनआर तो ट्रेन का है नहीं फ्लाइट का भी होता है मैं हो के आ गया भाई अभी क्या उसका करेंगे मैं तो मतलब कब से हो के आ चुका हूँ अभी उस बोर्डिंग पास का करोगे क्या वो फ्लाइट तो जा के आ गई है अभी वुड लाइक सम वापिस इनसाइट ऑफ मैं मैन ऑन ओपन आईमर ओ इनसाइट ओ इनसाइट भाई मतलब ओपन मस्त तो है मतलब बम फूटेगा मजा आएगा अच्छा इनसाइट ओके ठीक है अपन देखेंगे ना क्या स्टार्स। थला, है कभी यूपी घूमने आएगा तो इलाहाबाद भी आ जाए घूमने आएगा मतलब यूपी में ही रहता है वो इलाहाबाद इलाहाबाद बता रहे मैं जाता हूँ बिरयानी लेता हूँ फिर वापस

अब रिएक्शन चालू कर दिया ब्लॉग चालू कर दिया उस पर लाइव स्ट्रीम भी करूंगा मतलब कि आप पूरे चैनल हालौ, का हालौ, हालौ. हाँ हलवा बन जाएगा यार मतलब पूरे उसके एंगेजमेंट अब कितने नए बनाएंगे यार <laughs> ओ भाई वो पता है मतलब और फिर ना मेरे को गेम खेलना मतलब अब ऐसा हो गया ना कि अपने पर्सनल टाइम में गेम खेलना पसंद है ये अब मैं गेम खेलता हूँ आधा घंटा फोर्टी मिनट्स जितनी मेरी मर्जी होती है अब एक बार स्ट्रीम करने बैठे तो आप तीन घंटे दो तो घंटे स्ट्रीम करते हो तो ये होता है घर वालों को बताना पड़ता है अभी कोई डिस्टर्ब मत करना ये क्या नहीं है हाँ खाना खा लो ठीक है मैं आ रहा हूँ नहीं मतलब आप ऑब्लिगेशन बन जाता है फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कोई आए नहीं कोई जाए नहीं तो ये नहीं चाहिए फिर ऐसे तो वो ये सब चीजें नहीं ये क्या बोल रहे हैं भैया पीजे जॉनी सिंस दिखता है नहीं थैंक यू भाई यार बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था पीजे जॉनी सिंस कौन से एंगल से भाई तो फिर सिर कब मुंडवा रहे हो पीजे मेरे ख्याल से यही तो नहीं है ना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या चीज सर के बाल सर के बाल मतलब मुंडवा लो जॉनी सिंस का ऐसा चार्म लगेगा तुमको फिर <laughs> आगे आगे भाई लोग जो भी, भी। जो भी देख रहा है कल तक ट्विटर पे हाँ, चाहिए पीजे की यस यस ट्रेंड हो जाना चाहिए समझे कि नहीं यस उसको तो चाहिए जॉनी सेंस को दान कर देंगे बाल पीजे सिर्फ मांगा पढ़ता है इससे एलन मोर की कॉमिक्स पढ़ाओ अच्छा बादल सिर्फ मांगा पड़ता है ए... पढ़ ले भाई ठीक है भाई कॉमिक्स पढ़ ले ओके okay भाई फॉर पीजे मार्गो रोबी फैक्स डॉल और सीक्रेट वॉर प्रीमियर प्रीमियर yeah. <laughs> वही वही। एक तरह, एक तरफ तरफ के साथ सुक्स, और दूसरी तरफ सीक्रेट का डॉल वो नहीं उसका <laughs> तुम <laughs> <laughs> ट्रिक ट्रिक तो लोग इतना ज्यादा खुश और मार्गो रोवी भाई तुम मेरा मूड खराब कर दिए भाई यार और दूसरी तरफ क्या है ये तो बताओ सीक्रेट वॉर्स का वर्ल्ड प्रीमियर मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड प्रीमियर पे ठीक है वहां मार्गर अभी मिल जाएगी क्या नहीं नहीं अभी नहीं वहां क्यों मिलेगी नहीं भाई इतने बुरे दिन नहीं आ गए भाई सेक्स टॉल मैच आर यू श्योर पर अगर पर अगर पर अगर असली वाली होती तो कोई पूछने की बात है एक बार के लिए सिर्फ अबे आई विल स्मैश फॉर टू सेकंड्स तुम सोचो पीजे तुम्हें वो एक बार के लिए मिलती है ओ भाई साहब और प्रोबेबली प्रोबेबली इट वुड लास्ट फॉर ओनली टू और फाइव सेकेंड्स अबे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं और वर्ल्ड प्रीमियर भाई दो घंटे तीन घंटे की पिक्चर वर्ल्ड अच्छा वैसे अच्छा वैसे मिलना अबे तो वो तो एक दिन हो ही जाएगा वैसे मिलना क्या वैसे मिलना अबे मतलब वैसे इन पर्सन मिलना किससे अबे वैसे से, मिलना नहीं मार्को ओबी से इन पर्सन मिलना आ, हो जाएगा अबे नहीं आ, हो मैं जाएगा। क्या बोल रहा हूँ नहीं तुम नहीं समझ रहे स्मैश भी बोल रहा हूँ मैं तुमको अबे स्मैश नहीं भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे भाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी तुम लड़खड़ा रहे हो तुम ना ये जो तुमने इतने अपने आसमानी पहाड़ बना रखे हैं ना अपने ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना भाई, को को। <laughs> भाई तो मतलब इमेजिन करने बोल रहे तो सोच भी नहीं रहा <laughs> मैं पूछा करो आप लोग मुझसे अच्छा आगे मैं आठ महीने से मेंबर हूँ एक बार भी शॉर्ट आउट नहीं दिया क्वेश्चन है कि आप तीनों की साथ में नेक्स्ट ट्रिप कब कर रहे हो तो भैया अब अपने पीजे ही बताएंगे ग्रुप में बताऊंगा अच्छा ग्रुप में मोहित ने मैसेज किया था ठीक है जब फ्री हो ना आ जाना डिस्कस कर लेंगे पीजे बोलता है मैं जिम में हूँ घर जाके मैसेज करता हूँ दो दिन हो गए इसका अभी तक तो मैसेज नहीं आया मैंने अगले दिन सुबह पूछा भैया तुम जिम से आ गए क्या उसका रिप्लाई भी नहीं आया अभी यार। मैं भाई बड़े सीरियसली पूछा मैंने कि यार आ जाओ प्लान बना लेंगे भाई मतलब अभी ट्रिप ट्रिप के प्लान बहुत सीरियसली बनाए जाते हैं हाँ ये ऐसे नहीं होता कि मतलब आप बैठे हो और बस ऐसे करके और मतलब आप तीन लोग को जाना है तो मतलब आपको बहुत सीरियसली प्लान करना पड़ेगा कि तीनों की सहमति होनी पड़ेगी डेट्स पे हाँ। फिर उसके बाद तीनों की सहमति होनी पड़ेगी रुकने पे फिर तीनों की सहमति होनी पड़ेगी फ्लाइट्स पे फिर हाँ। तो तीनों की सहमति होनी पड़ेगी बजट पे और हर चीज पे तो मतलब ये ये प्लानिंग जो होगी ना ये मतलब हमको कम से कम पंद्रह दिन एक साथ बैठ के एक एक चीज पे प्लान करना पड़ेगा करते हैं ना करते हैं ठीक है भाई शाउट आउट दे दो पहले प्रणव प्रणय राठौड़ प्रणय भाई शाउट आउट टू यू शाउट आउट शाउट आउट लागे मोहित सर कुछ दिन पहले जीएफ ने मेरी था मेरी क्या टीएचआई थाइस ही होता है ना हम्म थाइस पे उसका नाम लिखा तो रिसेंटली मेरे भाभी ने देखा और बुरा मान गए अब दे नहीं रहे रहे नीड योर व्हाट द फक भाई दिस सुपर चैट इज सो मेस्ड अप किस किसने किस किसने किस टैड नाम करवाया किसने मेरी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी थाई पे नाम लिखा और फिर अब उसकी भाभी ने देख लिया है तो अब दे नहीं रही है इज व्हाट ही सेज क्या नाम है इसका oh, तजबीर रीड करते करते मैं खुद को कर रहा हूँ कि साला मैं गलत तो रीड नहीं कर रहा भाई <laughs> कितने की सुपर चैट है ये एक सौ दस भाई यार मैं पहले यार पूछने वाला था कि भाभी ने वो नाम देखा कैसे रोडीज वाला सलाम तुम जिंदगी जी रहे हो ठीक है फर्क नहीं आगे पीछे दाएं बाएं किसी का भाई यार तुम्हारे तुम्हारे, तो... तुम्हारे तुम्हारे भाई के लिए बुरा लग रहा है एक तो मेरे को सबसे पहले तो बेचारे के लिए मैं होप करता हूँ अगले साल मैं आपको सावधान इंडियन देख पाऊंगा भाई।, भाई अब अब अगर सावधान इंडिया पे एपिसोड आता है ना किसी तजबीर वजबीर राम के इसका तो देख लेना मतलब समझ लेना मैंने अब कल्चर में एक रुपए दिए थे इस बंदे ने, ने आके यही था वो यही था वो यही था हिसाबदार इंडिया के कोई बात नहीं दूसरी थाई पे दूसरे दूसरी थाई पे दूसरी नाम लिखो अनूप सोनी बताएंगे अनूप सोनी बताएंगे कि इसकी जांग पे लिखा हुआ एक सुराग मिला <laughs> इसकी गर्लफ्रेंड का मतलब <laughs> मैं एक एक एपिसोड था साधारण इंडिया का बहुत सेक्सी था शायद नॉर्मल कहानी थी कपल की और बवाल भाई साहब ठीक है वो ट्रेलर टे, टेलर के पास जाती है नाप लेने के लिए ठीक है तो पता नहीं कुछ बातें होती है सही नहीं होता है तीन महीने कपड़े बनाने के लिए अबे बहुत वेल में यार। अच्छा, तीन तो वो नाप ही ले रहा होता है नाप नहीं कुछ और ले रहा होता है। वही, वही, वही। हाँ और फिर नाप दे भी देता है और फिर बाद में नाप देता वो नाप के देता अबे साला बहुत सेक्सी एपिसोड थे यार क्या बताऊं अभी जी YouTube वीडियो में कुछ नहीं रहा टेलर बन जाओ <laughs> <laughs> के गुड्डू भाई कहां हो आप दिख से <laughs> मुझको आई रिमेंबर दैट एपिसोड चैट में लिख रहा है भाई <laughs> सार्थक शर्मा अबे यार क्या नाम क्या नाम था क्या क्या नाम था सार्थक सार्थक शर्मा अच्छा चैट ने बोला है ना उसने अबे भाई यार मैं बता बहुत सेक्सी एपिसोड भाई साहब बहुत कैसा हाल भाई वो एपिसोड दिखाते हैं ताकि तुम सतर्क रहो सावधान रहो और ये बोल रहे बहुत सेक्सी एपिसोड अरे यार मैं हूं ये मैं मेरा मेरा सतर्क हो गया भाई <laughs> सादा भी हो गया फीजर रात 2:00 बजे तक उस दिन सादा हो गया अरे यार मैं क्या बता रहा हूं फिर तो इमेजिन करो ये पूरा एपिसोड दिखाने के बाद अनुप सोनी नहीं आ रहा उसके बाद कह रहा है सालो नहीं बोल रहा सावधान रहे।, रहे सतर्क रहे तुमको क्या लोग लगे भाई मैंने इनिशिएटिव मैं, लेके रखी हुई है भाई ठीक है अच्छा अच्छा टेलर बनने के लिए उस दिन के बाद से पीजे लगा हुआ है ये सब तो ठीक है बट टेलर बनने का कोर्स किधर से होगा ओ भाई यार बहुत बहुत खतरनाक एपिसोड था भाई वो अब भाई लवर आगे बादल में सुपर चैट किया मारोले एंटरटेनमेंट ने किया है ऐसी ऐसी सुपर चैट भाई मेरे को बहुत पसंद आती है ये, ये होती लिए 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 है दिस शो सिनॉप्सिस याद दिलाया चैट में क्या, होने के बाद क्या, क्या होता है हाँ। सब के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है उसके हाँ। उसके बच्चे की बाप से नहीं मिलती है <laughs> फिर होती है मैं उसके। फिर होती लड़की मैं मैं हाँ। तो नाप लेने गया था आ, आपने कुछ तु... और दे दिया तो मैं क्या कुछ और दे रही थी सिलने के लिए इंडिया कौन सा एपिसोड है अभी सर्च किया हुआ क्या किसने सर्च किया हुआ या, भाई यार ये तुम्हारे गूगल हिस्ट्री में है वो सर्च नहीं, नहीं यार वो वैसे नहीं होता जब तुम सर्च करते हो टेलर लिखा वो आ गया तीन चार अच्छा। भी सबसे पीक पे वही होगा <laughs> 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 वो, वो कह रहे होंगे एक मिनट ये वाला एपिसोड इस टाइप के फिर से बनाया जाए जैसे अपन भी होता है ना अपने यूट्यूब जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है वैसे और बनाते अपन इस टाइप के और बनाया जाए टेलर टेलरों को पोटेंशियल ज्यादा है अपने इसमें तीन अकाउंट से दस लाख लगता है एपिसोड फिर से रिविजिट करना पड़ेगा हम्म <laughs> आगे आगे सुबह चैट को देखा जाए अबे मैं पहले एक मिनट एक ये भाई लोग देखो बाकी सब तो ठीक है बारह बजे के बाद वाली सुपर चैट ऐसी पोटेंशियल कैरी करना चाहिए yeah. कि ऐसी कन्वर्सेशन ड्राइव करे समझे हाँ। बाकी सब अपनी जगह पे मस्त है mm. ये ऐसी सुपर mm. uh, मोहित लव यू से माय नेम देव गेमिंग अरे देव गेमिंग भैया कब से देव भाई थैंक यू सो मच थैंक यू और भाई थैंक यू फॉर द सुपर चैट एक आखिरी बार मोहित भाई एमबीबीएस मोहित भाई एमबीबीएस वही देव <laughs> गेमिंग है फिर से बाकी दोनों के भी यूपी आने का आने को बोल रहा पीजे तो है ही अरे बादल बताओ अपने अच्छा प्लान तो अपने आज हम मैं तो इसी मंथ के एंड में जा रहा हूँ भाई अगली अगली पॉडकास्ट बादल तो मैं यूपी से ही करूंगा अगली पॉडकास्ट मिर्जापुर में है बादल यूपी जा रहे हैं ए भी काखा का बुलवाएंगे तुमसे देख के जाना जानपुर तो हम जा रहे हैं बादल जानपुर से करेंगे अगली काखा का देखना बादल सीख के जाना ये yes, सर आ रहे हैं हम यूपी आ रहे हैं और कितने साल बाद जाऊंगा यार आठ नौ साल हो गए मेरे को गांव के हाँ एक साल से सपना था सर प्लीज सारे लोग एक एक करके शाउट आउट दे दो प्लीज अरे यार अंडर अंडर थर्टी आपको भी अच्छा शाउट आउट शाउट आउट ब्रो सपना पूरा हुआ साल भर का जब नॉर्मल इंसान नशे करता है झूमना नाचना लड़ना जब मनोज बाजपेयी दो नशे सिंगिंग बागी टू क्या पीजे तुम रीड करो यार देव गेमिंग का सुपर आखिरी तो है ना मतलब लास्ट थर्ड जब नॉर्मल इंसान नशे करता है झूमना नाचना लड़ना जब मनोज बाजपेई दो नशे सिंगिंग बागी टू नहीं सेंस बना रहा है नहीं भाई नेक्स्ट सविता भाभी मांगा रिव्यू गाइस ओ भाई यार अरे रे 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 भाई 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 मुझको बताते हुए बड़ा अफसोस है अक्षय अक्षय जी आकाश अक्षय जी मैंने पढ़ी है अफसोस क्या करना है इसमें गर्व गर्व करो गर्व 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 करो अफसोस नहीं करते भाई क्या वो क्या लगता है कि मनोज तुमने तो काफी जमा के रखा हुआ

ओके okay, भाई फाइनली फाइनली थैंक यू भाई लोग हमारे साथ यहाँ तक बने तो रहने के लिए अगली वाली पॉडकास्ट भी लाइव ही होगी लाइव के बादल सर पूरी टीम जा रही है हमारी एडिटर वगैरह कोई नहीं है तो सब पूरी टीम जा रही है यस सर हम्म यस सर, या सर। तो कौन से टाउन में हम हाँ, नहीं वो यहां नहीं बताएंगे अच्छा ठीक है ठीक है चलो ठीक है ना भाई चक्का जाम हो जाएगा उधर <laughs> बादल okay. और पूरी टीम जा रही है तो यहाँ बता नहीं सकते नहीं कर सकते <laughs> <laughs> ड्रीमर्स okay, okay. एक एक और वो वाली जो बताई थी ड्रीमर्स करी थी और तो वाइल्ड ऑर्चिड नाम है मूवी का मैं शायद पहले बता चुका हूँ क्या तो वाइल्ड ऑर्चिड अगर नहीं देखी तो देख लेना पीजे, पीजे का कैमरा फिर से बंद हो गया भाई लोग पीजे तो देख लेना अगर तो, नहीं देखी तो गो तो चेक इट तो तो आउट क्या हो रहा है ये it wants to relax his throat उसमें भी दे दिया था क्या <laughs> चलो फिर रखते हैं भाई कितना, कितना बाय हो गया यार ये ओके गाइस बंद करिए बंद करिए तीन घंटा चालीस मिनट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गाइस चलो बाय 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 कमेंट्स में टाइम स्टैम्प कमेंट्स में टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प डाल देना टाइम स्टैम्प पिन कर देंगे पिन कर देंगे क्रेडिट मिल जाएगा बाय 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 लोग साइनिंग ऑफ बाय बाय सो यार बाय टाटा गुड नाइट